सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जन प्रभजन्त मनुपीतम अपीत कृत्यं द्वैपायन विरह का तर आज भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुं स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मि नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद समय पर हाथ उठाकर बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री लोक नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्णा सर्वप्रथम पुतना को उन्होंने मारे। जब नंद बाबा गए हुए थे मथुरा में कंस को कर देने के लिए, जब वापस आए तब उन्होंने सुना ये पुतना बड़ी प्यारी बड़ी सुंदरी बन करके वो आई थी, लेकिन निकली वो राक्षसी। नंद बाबा ने कहा देखो एरे गेरे व्यक्तियों को घुसने मत दिया करना। उनने कड़ी पहरादार लगा दी। इतने में श्री शंकर जी को पता चला कृष्ण अभी गोकुल में बाल गोपाल रूप में आए। शंकर भी बड़ी सुंदर श्रृंगार करके आए, कितना सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन इनका नाम तो सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन इस शंकर जी को ऊपर देखो ना बड़े असुंदर लगते हैं। शंकर जी की सर के ऊपर में कौन सा फूल चढ़ता है बोलो? शंकर जी के सर के ऊपर कौन सा फूल चढ़ता है? कौन बोले हाथ उठा बोलो कौन सा फूल चढ़ता है? कहते धतुरे के फूल और आकंद का फूल चलता है। बोले क्यों? क्या शंकर जी को जूई बेली चमेली हाँ ये सब फूल मिला है? नहीं, शंकर जी जो पेड़ को कोई लगाते नहीं, जंगल में होता है और ऊपर जहरीले फूल है, शंकर जी उससे ही ग्रहण करते हैं। क्योंकि शंकर जी भगवान के सबसे प्यारे भक्त हैं। इसलिए शंकर जी की भावना है जितने सुंदर से सुंदर फूल हो मेरे गोविंद देव को लगे, मेरे बांके बिहारी को लगे, मैं तो उनका सेवक हूँ। जंगल में अपने आप जो फूल हो जाए वो फूल को मैं ग्रहण करूंगा। इसलिए शंकर जी जहरीले फूल को ग्रहण करते हैं, हैं? और शंकर जी की जो वस्त्र है कोई रेशम का वस्त्र पहनते हैं ना कोई सुंदर वस्त्र, कहते ये व्याघ्र चर्म को धारण करते हैं, कोई अच्छे वस्त्र धारण नहीं करते हैं। बोले शंकर जी के अलंकार क्या है? कोई सोने चांदी हीरे जवाहरात को नहीं ग्रहण करते हैं। शंकर जी के पूरा शरीर में कहते सर्प सर्प का ही इनके अलंकार है। क्योंकि ये जो सर्प है वो साधारण नहीं, कहते ये श्री भगवान श्री अनंत देव है और अनंत देव शंकर जी के गुरु जी है। शिक्षा देते हैं अगर अलंकार धारण करना तो
गुरु जी की उपदेश वही अपना जीवन में अलंकार रूप में धारण करो जिसमें तुम्हारी जीवन धन्य हो जाए। इसलिए शंकर जी शरीर में कोई स्नो पाउडर है नहीं तो कोई ब्यूटी पार्लर में नहीं जाते सजने के लिए। शंकर जी शरीर में बभूत लगाते हैं। बोले कहाँ के बभूत? बोले शमशान के। कोई अच्छा कोई पाउडर नहीं लगाते शंकर जी, क्योंकि ये दुनिया को शिक्षा देते हैं जिस शरीर में तुम्हारी इतने आसक्ति है एक दिन ये शरीर का परिणाम दो मुठ्ठी रात है। भैया प्रेम शरीर को मत करो है, ब्यूटी पार्लर में जाकर के शरीर को मत सजाओ। सजाना तो गुरु जी की उपदेश से सजाओ, भगवान के नाम के द्वारा शरीर को सजाओ। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण कोई बोल नहीं रहे, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार आप बोलो मैं सुनूंगा जोर से, ताकत लगा के। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो माता है, एक बात ध्यान से सुनो, अगर कथा सुनना है ना आप जिसको जानते हो उसको पास में मत बैठा कर, फिर बिना कारण के सुना बात करोगे। घर में तो संसार की बात करते हो, फिर भागवत में आप में आकर के अगर दुनिया की बात की यहाँ के सारे पाप लेकर के जाओ यहाँ से। इसलिए जो जिसको जानते हो तो उससे अलग होकर बैठ जाओ। अगर कथा सुनना हो तो, अगर कथा नहीं सुनना हो तो फिर आराम से बैठो, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, कोई दुनिया की बात मत करना, ठीक है ना। इसलिए शंकर जी वो संत है, सबसे परम भक्त भगवान के। शंकर जी के बगैर प्रभु का कोई भी लीला नहीं होता है। जब प्रभु राम रूप में आए शंकर जी हनुमान बन करके आए, जब कृष्ण रूप में आए गोपीश्वर बन करके, जब चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए ये सदाशिव श्री अद्वैत आचार्य बन करके आए हैं। इसलिए शंकर जी संत हैं, वो अपने आप को छुपाने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन वो छुपा नहीं सके। बोले क्यों? बोले शंकर जी में सबसे पवित्र वस्तु उनको पास में, दुनिया के सबसे पवित्र वस्तु शंकर जी के पास में। आप बता सकते हो क्या शंकर जी के पास में सबसे पवित्र वस्तु? कौन बोले? हाथ उठा बोला सब पहले। कौन बोल रहे? गंगा किसने? हाँ मैया, बहुत अच्छी बात होता है। इसलिए शंकर जी की जटा में श्री पतित पावन श्री गंगा देवी, बोले श्री गंगा देवी की। इसलिए शंकर जी अपने आप छुपा नहीं सके। अभी शंकर जी बड़ी सुंदर श्रृंगार धारण करते हुए भगवान की बाल गोपाल स्वरूप को दर्शन करने के लिए आए, लेकिन नंद बाबा ने कड़ी पहरादार लगा दिए थे, बोले एरे गेरे व्यक्ति को घुसने मत दिया करना। जब शंकर जी आए कोई गोपी थी दरवाजा पर, बोले बाबा क्या चाहिए? बोले मैंने सुना है नंद बाबा के घर में एक लाला भयो है। बोले लाला भयो तो तेरे कहा भयो है? बोले थोड़ा लाला को दर्शन करा दे। बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, वो तो बड़ी सुंदरी श्रृंगार करके आई थी, अब तू तो देखने में भेजिंग रहे हो और तेरे को तो देख करके मेरे जी घबरा रहा। बाबा लाला का दर्शन नहीं होगा, कोई भिक्षा मांगना लो और रास्ता देखो। उसने जाकर के मैया जसोदा को बोल दी। मैया जसोदा निकल करके आई, शंकर जी को देख कर डर गए। बोले बाबा कहा बात है? बोले मैया एक बार लाला को दर्शन करा दे, बढ़िया आशीर्वाद दूंगो। बोले बाबा मेरे लाला को बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, हैं? इसलिए लाला का दर्शन नहीं होगा। सोना चांदी जो मांगते हो लो और अपना रास्ता देखो। कन्हैया को तो लेकर के उन्होंने घर को अंदर में छुपा दी। शंकर जी वहीं पर त्रिशूल गाड़ कर बैठ गए। बोले जब तक लाला को दर्शन नहीं दोगे ना तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं। बोले तू यहीं पर बैठ रह जा, मेरे चार दरवाजा है, दूसरे रास्ता से लाला को निकालूंगी। बोले मैं चार ही मूर्ति बन करके चार दरवाजा में बैठ गया, इसलिए अभी नंदगांव में जाओगे ना चारी तरफ में शंकर शंकर है वहां पर शंकर जी। बोले जिधर भी निकालोगे ना उधर ही दर्शन करूंगा। शंकर जी वहीं पर बैठ करके ठाकुर जी को याद करने लग गए। भगवान बड़े भक्त वत्सल है। अभी शंकर जी को दर्शन देने के लिए ठाकुर जी बड़ी जोर जोर से रोना शुरू कर दी।
जितने थपथप लगाए उतने जोर से रोए, पूरा परिवार परेशानी हो गई। बोले क्या हो गया लाला को, आज रोना ही बंद नहीं हो रही है। एक गोपी ने बोले भैया जो बाबा है ना वो त्रिशूल गार करके आंख बंद करके बैठा हुआ, लगता है तेरे लाला को पर कुछ जादू रोना कर रहा है, इसलिए लाला रोना बंद नहीं कर रहा है, जा लाला को दर्शन करा दे। कहते नहीं तो दर्शन के बगैर मैं जाऊंगा ही नहीं। मैया ने काले कपड़े से ओढ़ करके मुट्ठी मुट्ठी काजल लगा दी, काजल का बूंद लगा दी, गले में काला धागा बांध करके नजर नहीं लग जाई, बड़ी कष्ट से लाई और एक बार शंकर जी को दर्शन करा दिया। और दर्शन कराते ही कृष्ण तो रो रहे थे, उन्होंने खिलखिला करके हंसने लगे। शंकर जी हंस रहे थे, रोना शुरू कर दिए। मैया तो समझ गई बाबा कुछ जानता है, क्योंकि लाला का तो रोना ले लिया, अपना हंसना दे दिया। अगर माताओं को पता चले ना बाबा हाथ देखना जानता है, जादू टोना मैया सब घिर जाती। बोले बाबा मेरे हाथ हाथ देख ले, बताओ तो क्या होगा, मेरे बेटा का क्या होने वाले, बेटी के क्या होने वाले, हमारा भविष्य तो क्या है, सबके सब मैया को घेर गए। बोले बाबा कोई जादू टोना जानते हो? बोले हाँ। बोले हमारी लाला के ऊपर में बारम्बार नजर लगी जा, हरे कृष्ण हरि बोल, हरे कृष्ण हरि बोल। बोले जल्दी उसको कुछ छड़े मत, ठीक है, कितने सही चल रहा है। इसलिए बोले लाला को नजर लग जाती है, कुछ करना पड़ेगा। बोले एक काम करोगे ना, लाला को कभी नजर नहीं लगेगा। बोले बता दे, बोले तेरे लाला को जब स्नान कराते हो वो जो स्नान का पानी ला करके मेरे सर पर डाल देना। भगवान को स्नान कराने पर ठाकुर का चरणामृत है, हैं? आप लोग देखे होंगे शंकर जी की जटा में किया गंगा, ये गंगा कौन है, ठाकुर जी की चरणामृत है। आप लोग देखे होंगे कांवर लोग हैं कितने दूर से गंगा पानी को लेकर के जाते हैं, हैं? इसलिए भगवान की सबसे प्यारा ठाकुर जी की चरणामृत है। मैया बोली सो कर दूंगी। बोले और कुछ करना पड़ेगा? बोले एक ही काम करोगे ना, लाला को नजर ही नहीं लगेगा। बोले बता दे, बोले लाला को जब खाना खिलाओगे वो जो खाना बच जाएगी उसको मेरे को ला करके दे देना। बोले बाबा सो कर लो। देखो ये 5,500 साल की बात है, अगर अभी आप नंदगांव में जाओगे ना, ठाकुर को जब स्नान करा जाता है वहां के सीधा चरणामृत आकर के शंकर जी के सर पर गिरता है, और ठाकुर जी का जो भोग लगेगा श्री बांके बिहारी को वो सीधा प्रसाद श्री शंकर जी को पास में आएगा। जब भगवान को गोविंद देव को कोई भोग लगे वो प्रसाद है, वही प्रसाद जब शंकर जी को माता जी को हनुमान जी को भोग लगे फिर वो प्रसाद नहीं वो महा महा प्रसाद हो जाता है, उसकी महिमा और बढ़ जाती है। देखो एक शिक्षा लेकर के जाओ, कोई भी खाना बनाती हो, जैसे कभी कभी हनुमान को लड्डू भोग लगाते हैं, कोई कोई तो मुंह में ठोसते हैं, बोले हनुमान जी खाओ, क्या हनुमान जी भूखे तुम्हारे लड्डू खा लें? एक मन क्या, 1,000 मन भी दे दो ना, जब तक प्रभु राम को भोग नहीं लगेगी, जब तक मैया जानकी नहीं खाएगी, करोड़ मन भी भोग लगा दो हनुमान जी उसको तरफ में कभी देखेंगे नहीं। लेकिन अगर प्रभु राम की जानकी की भोग लग गई ना, उनको देने का जरूरत नहीं, हनुमान जी लपक कर खा लेंगे। जब राम दरबार लगती है हनुमान जी कहां बैठे हुए होते हैं? बोलो कहां बैठते हैं? चरणों में बैठते हैं। इसलिए हनुमान जी भगवान की राम के एकनिष्ठ भक्त हैं। जब तक राम की भोग नहीं लगेगा हनुमान जी कुछ भी नहीं ग्रहण करते हैं। शंकर जी कौन? ये वैष्णव। माता देवी कौन? ये वैष्णवी। श्री गणेश जी कौन? ये भगवान की भक्त हैं, ठीक है ना। इसलिए कोई भी चीज लाओ सबसे पहले बांके बिहारी को भोग लगाओ, फिर जितने देवा देवियों को खाना दो वो बड़ी प्रसन्न होकर के वो खाना खाते हैं, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। बोले कितने बड़े हो गए? जब बच्चा कोई 3 महीना में जैसे बच्चा करवट लेती है, एक दिन मैया ने देखा लाला ने करवट ले लिया, मैया को तो बड़ा खुश हुआ, लाला का शरीर में ताकत आ गया, अपने आप उसने करवट ले लिया। बोले आज घर में हम बधाई की कीर्तन गवा पाएंगी,
सारे अड़ोसी पड़ोसी जितने गोपियों को बुला ली और घर को आंगन को साफ सुथरा करके जितने दूध दही था सबके सब बेल गाड़ी के ऊपर रख दी और कृष्ण को लेकर के स्नान करा के गाड़ी को नीचे उनको लेटा दी और गोपियां बैठ करके बोले मेरे नंद जी को लाला अलबेला मेरी मटकी में मार गयो ढेला मेरे नंद जी को लाला अलबेला मेरी मटकी में मार गयो ढेला मेरे नंद जो लाला अलबेला मेरी मटकी में मार गयो ढेला मेरे नंद जी को लाला अलबेला मेरी मटकी में मार गयो ढेला कभी मैया के संग कभी मैया के संग कभी बाबा के संग कभी मैया के संग कभी बाबा के संग भजन गा रही थी इतने में कृष्ण का कच्चा नीत खुल गई। अभी कृष्ण अपना भजन में आकर के भजन का आनंद लेना चाह रहे हैं लेकिन ठाकुर को अभी कितना उम्र है बताओ कितने उम्र के कृष्ण अभी 3 महीने बोलो कोई 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 कथा नहीं सुनते सब इधर उधर देखते रहते हैं। अभी कितने दिन के कृष्ण है 3 महीने के इधर उधर मत देखा करो ठीक है। कोई एक माता जी कोई साड़ी पहन करके आ जाएगा कई सारी साड़ी सब उसको तरफ जैसे जिंदगी में साड़ी नहीं देखे हरे कृष्ण। इसलिए अभी कृष्ण 3 महीना के हो गए अभी प्रभु को घुटन पर चलना भी नहीं आता है। अभी कृष्ण चाहते हैं अपना कीर्तन का आनंद ले लेकिन कृष्ण आए कैसे बच्चे अगर रोए ना फिर मैया उनको गोद में ले लेती है। कृष्ण सोचा मैं थोड़ी सी रोऊं हो सकता है मैया मेरी रोने की आवाज सुनकर के मेरे को ले जाएगी। इतने में कृष्ण तो रोना शुरू कर दी लेकिन मैया तो लेन देन में लगी हुई थी कौन आया किसको क्या देना क्या लेना हैं? अभी मैया को ध्यान ही नहीं रही और कीर्तन भी हो रही थी। अभी कृष्ण रो रो कर थक गए बोले कब तक रो इतना तो रो लिया अभी तो मैया उठाकर ले नहीं रही है। अभी कृष्ण की इच्छा शक्ति जोग माया ने कंस को प्रेरणा दी। कंस ने एक दैत्य भेज दिया जिसका नाम था सकटासुर। ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच था। एक दिन लोमोर सरिसी में बाग में प्रवेश करते हुए उनको सारे बाग को उसने उजाड़ दी। ऋषि को बड़ा क्रोध आया बोले इसलिए तेरे को ठाकुर इतने मोटे छोटे बनाए संतों की ठाकुर जी की बाग को उजाड़ने के लिए जा तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ जिस शरीर में तुम्हारी इतने अभिमान ये तेरे शरीर ही नहीं रहेगा। इतना बोलते ही उसका शरीर तो गायब होने लग गया।
सारे नशा उतर गया उसकी। संत के चरण में गिर पड़े, संत बड़े दयालु होते हैं। बोले जा, जब कृष्ण द्वापर युग में आएंगे उनके चरण के ठोकर से तेरे को मुक्ति मिलेगी। अभी कंस भेज दिया, ये शकटासुर को इसकी शरीर थी नहीं, उसने देख रहा था कृष्ण कहाँ पर, देखा बैलगाड़ी को नीचे लेटे हुए हैं, सोचा बैलगाड़ी में सवार हो जाता हूँ और धीरे धीरे दबाते दबाते फिर दबा दूंगा तो कृष्ण पिस जाएंगी। कृष्ण ऊपर में देखा, बोले मामा जी आ गए, कंस मामा, उनकी संबंध सब मामा लगते हैं। इतने में कृष्ण अपना धीरे 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 चरण को उन्होंने हिलाया और हिलाते हिलाते ऐसे ठोकर मारे पूरा गाड़ी को पलटा दिया और जितने दूध दही सबके साथ बिखर गया। फिर सारे ब्रजवासी भागते भागते आए, आंधी तूफान नहीं पलटी तो पलटी कैसे, लेकिन छोटे छोटे सखाओं ने देखा था, बोले मैया मैया हम बोले, बोले बोलो, बोले कृष्ण के चरण की ठोकर से, बोले पागल हो गए, अभी लाला मेरे 3 महीना की और इनकी चरण की ठोकर से गाड़ी पलट जाएगी। लेकिन मैया को विश्वास नहीं हुई, फिर मैया कृष्ण को लेकर के कीर्तन को बीच में लेटा दी। फिर गोपियों ने बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तिनी तेरी पगड़ी। गोपियों ने फिर भजन करना शुरू की, फिर से कन्या खुश हो गई, बोले भैया मेरे को पहले ले आते, इतना नटखट करता नहीं। हाँ देखो, ध्यान तक सुनो, भगवान इसमें शिक्षा क्या दिए है, जैसे उत्सव हो रही थी लेकिन कृष्ण को क्या किया, उत्सव से अलग करके बैलगाड़ी को नीचे लेटा दी और घर का जितने सामान कहा रख दिया उसको ऊपर में, दूध दही को। अगर हम घर में कोई उत्सव करें, अगर भगवान को वहां से निकाल दे, अपना घर गृहस्थी को ही दुनियादारी, सारी दुनियादारी को बुला करके घर में डिस्को डांस नचवा रहे हैं, उल्टा पुल्टा चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन ठाकुर से कोई मतलब नहीं। जिसने हमें सब कुछ दिया, जिसकी दुनिया, उसके लिए कुछ भी नहीं करते। ठाकुर 15 दिन से एक कपड़ा पहन करके ठाकुर बैठे हुए और हम दिन में 2 बार अपना साड़ी बदला रहे। ठाकुर जी को थोड़ी सी बात से भोग लगा दिया और सारा दुनिया को बुला करके शाही पनीर, मटर पनीर, दाल बाटी चूरमा, पोस बड़ा चकाचक खिला रहे और ठाकुर जी जैसे को तैसे बैठे हुए। जिसने दिया तुम्हें, ठाकुर जी कहते अगर मेरे को अलग करोगे ना, ऐसे ठोकर मारूंगा तेरे को, सत्यानाश कर दूंगा। इसलिए घर में जो कुछ करे, अपना लिए पहले साड़ी मत लाया करो, अपना बच्चे के लिए पहले कुर्ता मत लाओ, कपड़ा मत लाओ, देखो पहले ठाकुर जी के लिए घर में है कि नहीं। क्योंकि जब भगवान की अंगुली कट गई ना, द्रौपदी ने थोड़ी सी साड़ी फाड़ करके बैंडेज कर दी। ठाकुर जी सोच रहे थे कब दिन आएगा इसका मैं ऋणी चुकाऊं। भरी सभा में जब लाज जा रही थी, कृष्ण स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट हो गए, 10,000 हाथी की ताकत खत्म हो गई लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं। अगर भगवान को दोगे ना, भगवान के लिए करोगे, भगवान इतना करेंगे जो सोच नहीं सकते। लेकिन दुनिया है ना, कुछ भी करने वाली नहीं। आप देखो संसार में हम सारे चेष्टा करते हैं, अपना पत्नी को कैसे खुश करे, अपना पति को कैसे खुश करे, बेटा को कैसे खुश करे, बेटी को। अभी तो कोई खुश हुए तुम्हारी पर भी बताओ, दिल में हाथ रख कर बताओ, अभी तो कोई खुश हो पाए। जिंदगी भर किसके लिए करो, थोड़ी सी भूल चुके हो जाएगा ना, बोले तुम मेरे लिए क्या किया, एकदम झट उतर आएगा। लेकिन ठाकुर जी ऐसे नहीं, ठाकुर जी के लिए इतना करो, ठाकुर जी उतना करेंगे, ठीक है ना। घर में ठाकुर जी को अच्छे तरह से सजाओ, ठाकुर जी को खिलाओ, ठाकुर को श्रृंगार करो। देखो गीता में भगवान उदाहरण देते हैं, जैसे खुद अपना शरीर को बढ़िया से सजाओ और शीशा के सामने खड़े हो जाओ। अब देखना ये शरीर को जैसे सजाओगे, वो जो परछाई वैसे सज जाएगी। परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, अपना शरीर को सजाओ, परछाई अपने आप सज जाएगी। इसलिए मूल कौन है, बोले भगवान। जब तुम भगवान को श्रृंगार करोगे, ठाकुर को सजाओगे ना, ठाकुर तुम्हें अपने आप सजा देंगे, ठाकुर जी तुम्हें अपने आप सजा देंगे, तुमको सजाने का जरूरत नहीं। इसलिए कृष्ण जब बंसरी बजाई, कोई गोपी एक हाथ में काजल पहनी हुई थी भागी, कोई आधा कपड़ा पहनी हुई थी वही से भागी, किसने गले की हार को कमर में, कमर की करधनी गले में पहनी वही भागी,
लेकिन जब गोपियां रास में आई ना, जो एक आंख में काजल पहनी थी ठाकुर जी दूसरे आंख में काजल पहना था, जो आधा कपड़ा पहन करके आई थी ठाकुर जी उसको पूरा कपड़ा पहना दी, जो गले के हार को कमर में, कमर के कंधन के गले में ठाकुर जी एकदम ठीक श्रृंगार करती है। कहते अगर हमें कोई सजा सकते तो श्री बांके बिहारी श्री गोविंद देव ही हमें सजा सकते हैं। इसलिए घर में कोई भी काम करो पहले ठाकुर को ध्यान दो, दुनिया को बाद में ध्यान देना। दुनिया को कि दुनिया में ना बढ़िया बढ़िया कोई उत्सव हो तुम्हारी घर में, बढ़िया बढ़िया खा कर रख जाएंगे और जाते समय ना गाली देते देते जाएंगे, बोले देखा कड़ी में कितना नमक दिया था, देखा दही बड़ा में क्या कैसे कितने मिर्च दिया था, देखना जाते समय गाली देते हुए जाएंगे, कुछ ना कुछ कमी दिखा करके जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी ऐसे नहीं, ठाकुर जी को भक्ति से प्रेम से ठाकुर जी को दो 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 के ना ठाकुर उसी में ही खुश होकर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सेवा करनी तो किसकी सेवा करनी चाहिए, ठाकुर जी को सेवा करनी चाहिए। एक बार हाथ उठाकर बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी कृष्ण और थोड़ी सी बड़े हो गए, जैसे माताओं को देखना बच्चे को कभी ऐसे ऊपर उछालती है, उछालती है ना, ऐसे कन्या उछाल रही थी मैया। अभी कृष्ण सोच रहे हैं बोले मैया मेरे को थोड़ी सी ऊपर उछाल रही है, मेरी इच्छा हो रही है कोई एरोप्लेन आ जाए और उसमें बैठ करके ना पूरा वृंदावन को घूमूं, क्योंकि कुछ दिन बाद में जो मक्खन चोरी करने जाऊंगा भैया पता तो चले गली किधर किधर जाना किधर किधर आना। अभी कृष्ण की इच्छा जान करके कंस ने तृणावर्त को भेज दिया, इतने में देखा भैया मामा जी आ गए, अभी तो मेरे को उड़ा करके ले जाएंगे, लेकिन मैं तो अपने आप को संभाल लूंगा, लेकिन मैया क्या करेगी। इतने में कृष्ण पत्थर के जैसे चट्टान है ऐसे ही कृष्ण ओजन हो गए, मैया ने गोद से नीचे रख दी और इतने में तृणावर्त आया कृष्ण को पकड़ करके आकाश में उड़ चला। उड़ करके कृष्ण पूरा वृंदावन को दर्शन कर लिया। जब दर्शन करता है फिर प्लेन लैंडिंग करता है, फिर प्लेन उतरता है, अभी प्लेन को उतारे कैसे ऊपर तो उड़ गए। इतने में कृष्ण ने देखना बच्चों का एक स्वभाव है, अगर ज्यादा ऊपर उछाल दो ना बच्चे डर जाते हैं। फिर उसने डरते हुए कृष्ण उसकी गले को दबा दी, गले को ऐसे दबा दिया तृणावर्त तो धड़ाम करके नीचे गिरे, पत्थर एकदम चकनाचूर हो गए। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, ध्यान रख रहे सुनो, जब कभी कभी हम भगवान की भक्ति करते हैं जीवन में भी ना कभी कभी आंधी तूफान आ जाती है, अपना देखना संसार में भी कभी बड़ी बड़ी आंधी तूफान आ जाती है, विपत्ति आ जाती है। ठाकुर जी शिक्षा देते हैं कोई घबराने का कोई बात नहीं, अगर कोई विपत्ति आ जाए ना कभी किसको पर दोष मत लगाया करना, भैया अमुक की वजह से हो गया, उसने ऐसे कर दिया उसने ऐसे कर दिया, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। हमने जैसे जैसे कर्म की वो कर्म का अनुरूप हमें फल भोगना पड़ता है। जैसे आम की गुठली बोएंगे अब बताओ तो कौन सा वृक्ष वहां पर आएगा, कटहल की आम की, अगर कटहल का बीज बोओगे तो कौन सा वृक्ष आएगी, कटहल की, अगर नीम का बीज बोएंगे तो कौन सा पेड़ आएगी, नीम की। इसलिए हमने जैसे जैसे कर्म किया वो कर्म के अनुरूप हम फल भोग कर रहे हैं। इसलिए कभी किसी को पर दोष नहीं दे करके क्या करो, भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करते रहो। अगर कहीं भक्ति करते हो, ध्यान देकर सुनो, अगर भक्ति करते हो कोई विपत्ति आ गई फिर क्या समझो, क्या समझो, ये समझो हमारी ऊपर में कोई बहुत बड़ी कोई विपत्ति आने वाली थी, चूंकि हम ठाकुर जी की भक्ति करते हैं ठाकुर जी हमें थोड़ी सी दंड देकर छोड़ दिया। ये चीज को समझो, ये मत समझो अरे हमने इतने भगवान की भजन की भक्ति की, दिन भर उनकी पूजा करता हूँ नाम लेता हूँ और ठाकुर जी हमारे साथ में ऐसे किया। ठाकुर के ऊपर कभी दोष मत लगाओ। देखो छोटी सी कथा सुनो, एक समय दो भाई थे,
एक भाई तो खूब ठाकुर का सेवा पूजा करे और एक भाई एकदम नास्तिक भगवान को नहीं मानता है और जो भजन करता है ना उसको खिली उड़ाता है। मतलब दिन भर क्या मलाल कर हरे कृष्ण करते हो, क्या पत्थर को सामने बैठते हो, बेकार सब अपना समय को बर्बाद करते हो। एक दिन किया हुआ दोनों किसी निमंत्रण में जा रहे थे और जो भक्ति नहीं करता था उसको कि सोने की मोहर मिल गया। उसने कहा देख लिया मैं भक्ति करता नहीं, मेरे को सोने की मोहर मिला, तेरे को कुछ मिला नहीं। और थोड़ी दूर गए ना जो भजन करता था उसको पैर में एक लोहे की सीख कर गई, अभी खून बहने लग गया। और जो भजन नहीं करता था बोले देख लिया तू इतने हरी हरी करते हो, तेरे को क्या मिला और मेरे को क्या मिला। वो तो दुखी दुखी हो गया। बोले ठाकुर जी दिन भर में तेरा नाम लेता हूँ भजन करता हूँ, तू मेरे साथ में ऐसे करते हो आ? इतने में आकाशवाणी हुआ, बोले बेटा दुख मत करो, तुम दोनों को पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने क्या क्या कर्म करके आए। सुन लो इसको जो सोने की मोहर मिली ये पूर्व जन्म में बहुत दान पुण्य किया था, आज का दिन राज दरबार में ये राजा बनने वाला था, लेकिन वो मेरे को मेरे भक्तों को निंदा करता है, उसको सारे पुण्य खत्म हो गए, केवल एक सोने की मोहर देकर छोड़ दिया। तेरी बात सुन ली, तू पूर्व जन्म में एक मर्डर किया था, आज का दिन राज दरबार में फांसी झूलने का था, चूंकि तुम मेरे नाम लेते हो तो मेरी भक्ति पूजा करते हो इसलिए प्यार में एक सीख गड़ा करके तेरे को छोड़ दिया, नहीं तो तेरे को आज मृत्यु दंड होने वाले, समझ गए हो। हाँ अगर हम भक्ति करते करते कोई अगर थोड़ी बड़ी दुख आ जाए, दुखी नहीं हो करके समझो बड़ी कोई कठिनाई आने का था, ठाकुर जी छोड़ी सी कष्ट दे करके ठाकुर जी हमें छोड़ दिया। और ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान की भजन को मत छोड़ो, भले ही दुनिया छूट जाए, दुनिया तो छूटेगा लेकिन प्रभु की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्ण बोलते नहीं चुपचाप बैठे, कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे। जब कृष्ण और एक दिन बड़े हुए मैया जसोदा कृष्ण को दूध पिला रही थी। हर माताओं को पता है मेरे बच्चा कितने दूध पीने से पेट भर जाती है, लेकिन आज कन्हैया तो ज्यादा ही दूध पी रही थी। बच्चा अगर ज्यादा दूध पी ले ना पेट पतला हो जाता है। मैया तो डर रही थी मेरे लाला का पेट पतला नहीं हो जाए। इतने में कृष्ण थोड़ी सी जंभाई लिए तो इतने छोटी सी मुंह में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने दर्शन करा लिया। यहाँ पर कृष्ण कहते बोले मैया तू सोच रही हो तेरे दूध को मैं अकेले पी रहा हूं, नहीं मैया तेरे दूध से ना ये विश्व ब्रह्मांड पल रही है। क्यों? तू माँ जसोदा है ना, दुनिया की तू माँ, मेरी माँ मतलब दुनिया की माँ तू हो, तेरे दूध से दुनिया ब्रह्मांड पल रही है, इसलिए मैया कोई डरने का कोई बात नहीं है। कृष्ण और थोड़ी सी बड़े हुए, अभी जैसे घर में होता है ना पिता माता को जैसे इच्छा होता है बच्चे को टुन्नो बुल्लो टिक्की से बुलाते रहते, लेकिन नियम क्या है बच्चे का कोई नाम करना हो जाए फिर नामकरण होने पर उसी नाम से बच्चे को बुलानी चाहिए। और नामकरण करते समय ऐसे नहीं जो इच्छा आए सो नाम रख दे, ऐसे नहीं रखनी चाहिए। ब्राह्मण के पास में जाओ जन्म नक्षत्र को देखो उसमें एक अक्षर निकलेगा वो अक्षर को पहले रखो, ठाकुर का नाम हो नहीं तो कोई भगवान के भक्तों का नाम हो। पहले आप सुन रहे थे ना अजामिल ने अपना बेटा नारायण 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 बोलते बोलते अंतिम समय कैसे नारायण निकल गया तो बेड़ा पार हो गया, उसकी बेड़ा पार हो गई। इसलिए बच्चों का नाम इधर उधर मत रखना, ठीक है ना, बच्चों का नाम ठाकुरों पर नाम पर नाम धरना। लेकिन अभी कृष्ण के लिए एक दिक्कत है, बोले क्या, बोले नंद बाबा सोच रहे हैं लाला मेरो है, लेकिन वसुदेव सोच रहे लाला मेरो है, अभी दोनों ही सोच रहे लाला मेरो है। एक दिन गर्गाचार्य को श्री वसुदेव महाराज बुलाए, इनके पुरोहित है, बोले हे गर्गाचार्य आप तो त्रिकाल दृष्टा सब जानते हो, ये कृष्ण मेरा लाला है, मैंने राता रात रख करके मैं आ गया हूँ, बेटा को रखकर बेटी को ले आया, इसलिए एक बार आप गोकुल में जाओ और मेरे घर बेटा का कुछ नामकरण करके आओ और ऐसे नाम रखियो जो कि मेरे साथ में उसका नाम मिलता जुलता हुआ हो। गर्गाचार्य बड़े प्रसन्न हो गए,
बोले मेरे कितने भाग्य हैं, ठाकुर जी की नाम करण कराएंगे, जब नाम करण कराएंगे ठाकुर के नन्हे नन्हे चरण है, छोटी छोटी हाथ है, तोतली तोतली बोली है। देखना बच्चे जब छोटे होते हैं ना, गोद में खड़े नहीं हो पाते, कपड़े को पकड़ कर नोचते हैं, ताड़ी को पकड़ कर नोचते हैं, इसलिए ठाकुर जी को आज मैं गोद में लूंगा। तो ठाकुर जी कैसे हैं, बोले यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि। कहते जिनको जो ब्रह्मा कठोर तपस्या करने पर भी जिनकी चरण की नख की छटा तक भी ये दर्शन नहीं कर पाते हैं, आज ये भगवान को मैं गोद में लूंगा। उन्होंने प्रसन्न होकर के आए श्री नंद भवन में। नंद बाबा को देख करके इतने प्रसन्न हो गए, बोले आज तो मेरे जीवन बदल गया, आज मेरे भाग्य उदय हो गया। बोले क्यों, बोले आज मेरे घर में संत लोग आए हैं, इनकी चरण धूलि पड़ी, घर में सत्संग होएगी, घर में हरि कीर्तन होएगी, इसलिए बोला आज मेरी गृहस्थ धर्म सार्थकता हो गया। देखो यहाँ पर श्री नंद बाबा कौन है, ये कृष्ण के पिता है। वो क्या कह रहे हैं, वो शिक्षा देते हैं, जब तक घर में कोई भक्त लोग नहीं आए, जब तक घर में उनकी चरण धूलि नहीं पड़े, जब तक घर में उनकी कथा नहीं हो, सत्संग नहीं होना, ये घर पवित्र नहीं होता। नंद बाबा कहते जिस घर में भक्त लोग आए, घर में हरि कीर्तन हो, वो घर घर नहीं, वो घर वैकुंठ हो जाता है, वो घर भगवान की धाम बन जाती है। जिस घर में कीर्तन हो, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, घर का सारे अमंगल घर का दूर हो जाता है जब घर में भक्त लोग आकर घर में हरि कीर्तन हो। इसलिए आप लोग भी बीच बीच में भक्तों को बुलाना, घर में हरि कीर्तन करवाना, हरि कीर्तन से घर का सारे दुख कष्ट दूर हो जाती है। इसलिए नंद बाबा बोले आज तो मेरे जीवन धन्य हो गया, मेरे घर में गर्गाचार्य जैसे संत आए, उनको चरण धोए, चरणामृत लिया, आसन में बैठाया, और वो जो काम के लिए आए थे ना, नंद बाबा तो अपने आप बोल पड़े, बोले बाबा जब कृपा करके आए हो, हमारा ये दोनों लाला को नाम करने करवा दो, वो तो इसीलिए आए थे, राजी हो गए। अभी मैया जसोदा और माता रोहिणी कृष्ण बलराम को लेकर के आए, पहले उन्होंने बड़ा बेटा का नामकरण किया, बोले अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृद गोई। बोले नंद बाबा ये तुम्हारा जो बड़ा बेटा ना, इसका नाम होगा बलराम, इसका नाम होगा। बोले क्यों, राम मतलब है जो सबको जो आराम देते हैं, सबको जो आनंद देते हैं, हैं, और सबका हृदय में जो रमण करते हैं, और बल मतलब बल बला दिख्यात बलम, शरीर में बड़ा बलशाली होगा और सबको बल देगा, मतलब भक्ति की बल, बलदेव प्रभु मूल गुरु तत्व है, सभी के हृदय में जो भक्ति का बल ये प्रदान करेगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम होगा। इसका और एक नाम होगा शंकरसन। बोले क्यों, बोले पहले तो ये देवकी गर्भ में आए और योग माया ने देवकी गर्भ से आकर्षण करके उन्होंने रोहिणी गर्भ में स्थापन कर दी, इसलिए इनका नाम होगा, एक होगा शंकरसन, बलराम और श्री शंकरसन। बोले श्री ताऊ भैया की जय। अभी कृष्ण का नाम करण करेंगे, गर्गाचार्य जी ध्यान लगाए, ध्यान लगाए तो इनको तो ध्यान पूरी लग गई, आंख ही नहीं खोल रहे थे। बोले क्यों, बोले भैया अगर किसका एक दो तीन चार नाम होना, फिर तो कोई नाम रख ले, लेकिन दुनिया में जितने नाम सब इनका, सब इनका ही नाम है, इसलिए हमारे संत लोगों ने बड़े सुंदर सुंदर भजन गाए। केवल ठाकुर जी का नाम को दे दे करके हम भी एक छोटी सी दो लाइन भजन गाता हूँ, मेरे पीछे पीछे बोलना। बोले जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय Jai Radha Madhava Jai Kunj
जितने अवतार सब कृष्ण से प्रकट होते हैं, जैसे कृष्ण कहते हैं ना, जदा जदाई धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अद्भुतान मधर्मस्य चतात्मान सृजाम्यहम्। गर्गाचार्य तो चक्कर में पड़ गए, बोले भैया इसका नाम फिर मैं क्या धरूं, विश्व ब्रह्मांड में सारे नाम तो इसी का ही है। अभी इनका नेत्र ही नहीं खुल रहा था, फिर उन्होंने पकड़ करके हिलाए, बोले पंडित जी बताओ ना लाला का नाम क्या होएगा। बोले आसन वर्णास्त्र जस्य गृह्णोत अनुजुगम तनु
शुक्ला रक्तस्तथा पीता इदानी कृष्णताम गता। बोले तेरे जो लाला है ना ये युग युग में अवतीर्ण होता है, ये सत्य युग में ये शुक्ल वर्ण धारण करके आया था, त्रेता युग में ये रक्त वर्ण धारण करके आया था, और जब कलि युग आएगा ये तुम्हारी लाला ये पीत वर्ण, पीत मतलब श्री गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में श्री नवद्वीप में ये जन्म ग्रहण करेगा और विश्व ब्रह्मांड को हरि कीर्तन में सबको डुबाएगा। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। लेकिन इदानी अभी ये कृष्ण रूप लेकर के आए इसलिए इनका नाम कृष्ण नाम होगा। कृष्ण मतलब क्या? बोले काला। क्या कोल्तार जैसे काला? बोले नहीं, कोल्तार जैसे काला नहीं। क्या जैसे घनश्याम है ना, जैसे मेघ जब इकट्ठे हो जाते हैं है? जैसे काला बादल बन जाते हैं, ऐसे ही भगवान का रंग नव जलधर घन श्याम भगवान का रूप। हाँ ठाकुर जी, ये काला रूप धारण क्यों किया, इसका क्या रहस्य है? बोले देखना अब बहुत सारे रंग मिला, सबके अलग 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 रंग होगा, लेकिन उसमें थोड़ा काला रंग मिला दो ना वो सारे रंग को अपना लेता है। इसलिए बोले जिसको ऊपर में काला रंग चढ़ गया उसको ऊपर में फिर कोई रंग चढ़ती नहीं। मतलब क्या है, अगर कृष्ण भक्ति रस में एक बार जो डूब गई ना उसको ऊपर में चढ़ना दूजर रंग, उसको ऊपर कोई रंगी काम नहीं करता है। इसलिए कृष्ण काले हैं कृष्ण, और कृष्ण काले होने का तात्पर्य यह है कृष्ण जैसे मेघ एकत्रित होने पर जैसे काला मेघ बन जाती है, मेघ का एक नाम कृपा। इसलिए कृष्ण को बताया हे कृष्ण करुणा सिंधो, कृष्ण कृपा की समुद्र है, कृपा की घनीभूत विग्रह भगवान श्री कृष्ण चंद्र, इसलिए इनका नाम उन्होंने कृष्ण नाम रखा। बोले श्री नंद बाबा तेरा जो बेटा है ना हर युग युग में तेरा बेटा आता है, जब जब इसी जगत में कोई अधर्म बढ़ने लग जाए धर्म की हानि हो तुम्हारी बेटा हर युग युग में आकर के गो ब्राह्मण साधु पृथ्वी के ऊपर जो अत्याचार होती है इनको अत्याचार से मुक्त करते हैं और दुष्टों को विनाश करके भक्तों को पालन करते हैं तुम्हारी लाला, और इसकी इतने नाम इसकी इतने रूप इसका इतने गुण हैं वेद भी जिसको था नहीं पाते हैं। जब ऐसे ऐसे बता रहे थे वहां पर मैया जसोदा भी बैठी हुई थी, जसोदा बोल रही थी पंडित जी कोई काम की बात नहीं बता रहे, बिना काम की बात बताते हुए जा रहे हैं। देखो माताओं का क्या काम की बात, हर माताएं ये सोचती हैं मेरे लाला जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए और घर में एक बहू आ जाए, क्योंकि घर में जब तक बहू नहीं आएगी ना तब माताओं को घर का सारे काम काज करना पड़ता, जब बहू आ जाए फिर माताओं को विश्राम मिलती है, फिर बैठ बैठ करके थोड़ा विश्राम करती। इसलिए मैया सोच रही थी बाबा तो ये बताए बेटा कितना बड़ा में शादी होगी और कितने बहू ये घर में आएगी, ये बात तो बाबा थोड़ा बताए। मैया तो भोली भाली इतने संस्कृत नहीं जानती है, देखो एक श्लोक का दो अर्थ होता है, नंद बाबा बता रहे थे बहुनी संति नामानी, माने तुम्हारी बेटा का बहुत सारी नाम रूप गुण होगा। मैया अपना मन मन में अर्थ लगा रही थी, बोले बहुनी संति नामानी, आप पंडित जी ये बता रहे हैं मेरे लाला की बहुत सारी बहुएं होगी। बोले अच्छी बात है, जितना बहु होगी सास को इतना सभा होगी ना, अच्छी बात। सचमुच से कृष्ण जब वृंदावन में थे कितने, एक राधा जी थी फिर ललिता विशाखा चंपकलता तुंगभद्रा चित्रा सुचित्रा रंगदेवी सुदेवी, और कृष्ण जब रास करते हैं ना सत करोड़ों गोपियों के साथ में प्रभु रास होते हैं। कृष्ण जब द्वारका में जाते हैं 16,108 पटरानियां वहां पर हैं। बोले बहुनी संति, बोले अच्छी बात है जितना बहु होगा उतना तो आनंद है। पहले पहले राजा लोग बहुत शादी करते थे, बोले क्यों? बोले जो जितने शादी करता था जगत में उसका उतना नाम होता था, उतना नाम। क्यों? आप लोगों ने शादी किए हो? कौन कौन शादी किए हो? सबके सब शादी किए हो। देखना एक को शादी करके अगर एक जीवन एक को साथ में बीत गया ना समझो गंगा में हाथ आने धो लिया, कितना कठिन है एक को शादी करके
बच्चों को बड़ा बना करके उनकी शादी सुधा दे करके एक जीवन बीतना कितना कष्ट आपको पता चलता है, पता चल रहा है कि नहीं? अगर इसलिए पहले जो जितने शादी करता था बोलते थे बोले भाई भैया बाबा एक पत्नी को भरण पोषण करना कितना कठिन, और इतने स्त्रियों को शादी करके उसको संभालना, इसलिए उसका उतना नाम होता था, उतना नाम होता था। इसलिए इतने में जब उन्होंने ये बात उन्होंने बताई तब श्री मैया जसोदा बड़ी खुश हो गई, बोले बाबा अभी काम की बात बताए, बड़ी खुश हो गई। खुश होकर उनको दान दक्षिणा दिए, लाला को चरण में लेटा दी, बोले लाला को आशीर्वाद दो। गंगाचार्य तो बैठ गए, उनको पता है ना विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, ऊपर ऊपर से आशीर्वाद दिए और अपना जीवन का धन्यवाद है, अहो भाग्य है आज ठाकुर जी का मैंने नाम करण करवाए, और प्रसन्न होकर के चले गए। जब चले गए ब्रज की गोपियों ने प्रश्न की, बोले मैया पंडित जी बच्चों का नाम क्या धरवाया? बोले बड़ा बेटा का नाम तो बलराम और छोटा बेटा का नाम कृष्ण। बोले नाम तो बड़े अच्छे हैं लेकिन ये जो कृष्ण नाम वो इतना टेढ़ा है, जब तक ये जीवा तीन बार पलट नहीं जाए तब बिना कृष्ण नाम ही नहीं उच्चारण होता है। बोले कोई बात नहीं, ये तो जन्म पत्री में ये नाम रहेगा लेकिन ये अपना घर का नाम रख लेंगे कन्नुआ और बलुआ, है बड़ा बेटा का नाम बलुआ छोटा बेटा का नाम कन्नुआ। बोले श्री कन्नुआ बलुआ की जय, जय श्री राधे। अभी कृष्ण धीरे 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 बड़े हो रहे हैं। जब कृष्ण एक दिन बड़े हुए, एक दिन कृष्ण सखाओं को साथ में खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट में पहुंचे। कृष्ण सोच रहे हैं ब्रज में जो आए ना एक चीज की सबके सब प्रार्थना करते हैं, राधे तेरी चरणों की ब्रज धूल जो मिल जाए, सबके सब ये ब्रज धूल के लिए प्रार्थना करते हैं। और रसखान कहते हैं वृंदावन में जाओ ना दो काम तो जरूर करने चाहिए, कहते रमन रेती ले तो नहीं कियो ना जमुना पान, रे मन तुम क्या समझो वृंदावन की महान। इसलिए ब्रज में दो काम करनी चाहिए, रमन रेत में लोट पोट खानी चाहिए और जमुना में स्नान करनी चाहिए, आचमन करनी चाहिए, क्योंकि जो ब्रज रज है ये साधारण कोई धूल नहीं, ये ब्रज रज साधारण धूल नहीं। देखो हम लोग जो तिलक लगाते हैं ना ये क्या है, ये वृंदावन की धूल है। हाँ देखो तिलक की कथा सुनो, हम ये तिलक क्यों लगाते हैं और ये तिलक की क्या महत्व है, आप लोग को रोज रोज तिलक लगा देते ना। हाँ देखो तिलक की कथा सुन लो। एक दिन श्री नारद जी ठाकुर जी के पास में गए, बोले ठाकुर जी सारा दुनिया कहता है हम भगवान की भगत भगत है, तुम बताओ सबसे बड़े भगत तेरे कौन है? कृष्ण बोले देखो समय आने पर मैं बता दूंगा। एक दिन कृष्ण जान बुझ कर बुखार सर दर्द की लीला की, वसुदेव महाराज सारे डॉक्टर को बुलाए वैद्य को बुलाए लेकिन बुखार सही नहीं हो। नारद जी आए बोले प्रभु आपने क्या लीला कर रहे हो, तेरा नाम लेने पर जीव का भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं और तुमने सर दर्द बुखार की लीला की, तुम ही बताओ तुम्हारी ये सर दर्द बुखार कैसे सही होगा? बोले नारद जी अगर मेरे को कोई भक्त अपना चरण धूलि दे दे, चरण धूलि से मेरे को स्नान कराया जाए मेरी ये सर दर्द बुखार सही हो जाएगी। बोले नारद दुनिया कहते तू मेरे सबसे बड़े भक्त हो, थोड़ा चरण धूलि दे दे। बोले राम 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 राम, प्रभु आपका चरण धूलि देकर क्या नरक भेजना चाहते हो? बोले भैया द्वारका में बड़े बड़े भक्त हैं, 16108 रानियां उद्धव सात्विक कितने भक्त हैं, किससे भी लेकर के आओ, जिन जिनियों को पास में गए ना सब गाली निकाले। बोले नारद जी क्या आपको नरक भेजना चाहते हो, ठाकुर जी की चरण धूलि देकर हम नरक जाएंगे क्या? कोई देने के लिए तैयार नहीं, वापस आ गए। बोले ठाकुर जी ऐसे एक चीज मंगवाया दुनिया से गाली मेरे ऊपर, बोले गाली पड़ी और कुछ नहीं। बोले कोई नहीं दिया? बोले कोई नहीं दिए। बोले वृंदावन गया था? बोले प्रभु मैं केवल वृंदावन ही नहीं गया, बोले एक बार तू वृंदावन जाकर के देख। नारद जी वृंदावन में आए और सारी ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, बोले हमारे लाला कन्हैया कैसे है, लाला कान्हा कैसे है? बोले लाला को तो सर दर्द बुखार, बोले कोई दवा नहीं दिए? बोले दवा तो लेने के लिए आया हूँ। बोले क्या दवा है? बोले ठाकुर जी बोले कोई भक्त अगर अपना चरण धूलि दे दे, चरण धूलि से मेरे को स्नान कराया जाए मेरे सिर दर्द बुखार होगा। बोले कोई गोरी फोरी लाया कि नहीं लेने के लिए? जितने ब्रजवासी थे ना
चरण को रगड़ रगड़ करके रगड़ रगड़ करके धूल को निकाले और एक पोटली बांध करके सर पर रख दिए। बोले ले जा कृष्ण को स्नान करा देना। नारद तो देख देख कर घायरा। बोले तुमको पता नहीं कृष्ण भगवान है क्या, नरक का रास्ता खाली कर रहे हो। देखो ब्रजवासी क्या कहते हैं। बोले नारद जी अगर कृष्ण के सुख के लिए एक जन्म नहीं, अगर हमें करोड़ों जन्म भी हमें नरक जाना पड़े हम नरक जाने के लिए तैयारी, लेकिन लाला का हम दुख नहीं देख सकते, तो इसको लेकर के स्नान करा देना हम नरक भोग करेंगे। नारद जी ने देखा भैया असली भक्त तो यही बैठे, हम तो नरक जाने के डर से कोई चरण धूलि नहीं दिया, ये कहते करोड़ों काल के लिए हम नरक भोग करेंगे लेकिन कृष्ण का हम दुख नहीं देख सकते। फिर देखा भैया यही असली भक्त है नारद जी। इसी ब्रज रज को लेकर के वृंदावन से गए द्वारका और भगवान को वहां स्नान कराया गया। भगवान की सर दर्द बुखार सही हुआ। आप लोग कोई द्वारका गए हो, हाथ उठाओ तो कौन कौन द्वारका गए। बाबर दो चार भक्त लोग गए। अब देखना जहां पर ये जो तिलक आती है ना पृथ्वी में ऐसे मिट्टी कहीं नहीं मिलेगी, वो केवल द्वारका से मिलेगी। इसलिए वहां पर एक गोपी तालाब है जहां पर ठाकुर का स्नान कराया गया था, वहीं से ही ये धूल वहीं से आती है। अब देखो अब राम को देखना तिलक लगाया है, यही चीज की तिलक लगाए। अब हनुमान जी को देखना यही चीज की हनुमान तिलक लगाए। अब कृष्ण को देखना यही चीज की कृष्ण यही चीज की तिलक लगाए। अब नारायण को देखना उनको आधा मुंह तो तिलक में भरा हुआ, नारायण को देखो आधा मुंह उनका तिलक में भरा हुआ है। इसलिए कोई भी 33 करोड़ देवता में कोई देवता को देख लेना बगैर तिलक के कोई भी नहीं रहते। देखो आप लोग तो हिंदू हैं, जैसे कोई व्यक्ति अच्छे कोई बिजनेस में जा रहे कोई काम करने के लिए हम क्या करते हैं तिलक लगा कर भेजते हैं। बोले बेटा तेरे काम बन जाए। कोई युद्ध के लिए जाता है उसको तिलक लगा कर भेजते बेटा तो तुम्हारी विजय प्राप्त करो। जैसे कोई ब्राह्मण घर में पूजा करने के लिए आएगा देखना जब तक तुम्हारी तिलक नहीं लगाएगा ना तब तक ये पूजा नहीं करेगा, ठीक है ना। इसलिए क्या करनी चाहिए बोलो, क्या करनी चाहिए, सबके सब तिलक लगाने चाहिए, ठीक है ना। सबके सब तिलक लगाओ। शास्त्र में बताया जो व्यक्ति तुम्हारी तिलक लगाया हुआ ललाट में तुम्हारी तिलक को देख ले कि तो उसको साक्षात गोविंद देव दर्शन करने का फल मिलेगा। ये तिलक की इतने महिमा ठाकुर दर्शन करने का फल मिलता है। इसलिए पुराण में बताया जिसको शरीर में तिलक है उसको शरीर में गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सरस्वती दुर्गा लक्ष्मी पार्वती राधा ये सब के सब उसकी शरीर में सारे देवा देवियों की निवास हो जाता है जो व्यक्ति ललाट में तिलक लगाता है, ठीक है ना। इसलिए तिलक आप लोग जरूर तिलक लगाना, शर्म नहीं करना। शर्म तो करनी चाहिए कोई गंदे काम के लिए, अच्छी काम के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए। आप लोग वृंदावन गए हो, कौन कौन वृंदावन गए आप देखना, वो अंग्रेजी मंदिर में जाना इस्कॉन मंदिर में जाना। हम तो भारत गए, हम तो भारत गए देखना वहां रशिया के लंदन के फ्रांस के अमेरिका में हैं ये सब के सब देश के लोग इतने मोटे मोटे तिलक धारण करते हैं, गले में तुलसी कंठी देखोगे हाथ में उनकी माला देखोगे उनका हाथ में। कहां वो लोग कहां विदेशी लोग होकर के हमारी संस्कृति को वो लोग ग्रहण कर रहे हैं इसकी महिमा को समझ करके हैं, ठीक है ना। सबके सब कोशिश करना ये तिलक लगाने के लिए तिलक धारण करने के लिए। अगर आपने तिलक लगा लिया ना, मैंने पहले बताया था ना ये जगत का पति के लिए हम सिंदूर लगाते हैं मांग भरते हैं, है ना। इसलिए श्री रुक्मिणी कहती हैं ऐसे बर को क्या भरे जो जन्मे और मर जाए। हम हर जीवन में मांग भरते हैं सिंदूर लगाते हैं लेकिन कुछ दिन बाद में ये मांग हमारी मिट जाती है, सिंदूर हमारी मीट जाती है, हैं? लेकिन अगर एक बार तिलक आपने लगा दिया ना आपका भगवान कृष्ण आपके पति बन जाते हैं, ठाकुर जी आपको पति बन जाते हैं, हैं? इसलिए तिलक धारण करने का बड़ा महत्व है। इसलिए सबके सब जरूर तिलक आप लोगों ने जरूर तिलक लगाना। एक बार हाथ उठा करके बोलो बोलो हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 आप बोले मैं सुनूंगा Hare Krishna जोर से Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare इसलिए कृष्णा सोच रहे हैं ब्रज में जो कोई आए एक ही बात कहते हैं राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिल जाए बोले भैया क्यों विश्व ब्रह्मांड ये ब्रज धूल के लिए प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा भी उद्धव भी नारद भी ये सब के सब ब्रज धूल के लिए प्रार्थना करते हैं एक दिन कृष्ण सखाओं को साथ में खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट में पहुंचे और सखाओं को साथ में खेलते खेलते इतने में कृष्ण एक मिट्टी की ढेला उठाकर खा ली सखाओं ने मना की कन्हैया मिट्टी मत खाया करो पेट खराब हो जाएगा लेकिन कृष्ण किसकी बात ही नहीं सुन रहे थे मिट्टी खाते ही जा रहे थे इतने में सखाओं ने मैया जसोदा से शिकायत कर दी बोले मैया कन्हैया मिट्टी खा रहा है बोले क्या अभी तक मक्खन चोरी चोरी करके खा रहा था अभी मिट्टी खाना शुरू कर दिया मैया को छड़ी लेकर के आ गई और सीधा कृष्ण का कान को पकड़ बोले अब पवित्र देखो जिनका नाम लेने पर जी पवित्र हो जाती है मैया कहते अपवित्र तुमने मिट्टी खाई इतने गंदा बात कृष्ण तो सफेद झूठ बोल दिए बोले ना अहम भक्षी तो वानंबो सर्वे मिथ्या विसंसिनो बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई ये सब झूठ बोलते हैं बोले क्या ये दाव भी झूठ बोलता है क्यों बलदेव प्रभु कभी झूठ बोलते नहीं बोले दाव बताओ कन्हैया मिट्टी खाए कि नहीं बलदेव प्रभु गवाह दे दिए बोले मैंने अपना आंखों से देखा कृष्ण को माटी खत्ता खाते हुए मैंने देखा स्वयं कृष्ण बोले मैया ये जो दाव भैया है ना ऊपर में तो बड़े सफेद ऊपर में तो गोरे हैं लेकिन अंदर में ये बड़े काले हैं बोले भैया मैं तो ऊपर से कालो कारा कालो हूँ लेकिन अंदर में गोरो हूँ देखो यहाँ पर एक अच्छी बात समझाए बलदेव प्रभु ऊपर देखने में गोरे बोले अंदर में काले बोले मतलब क्या है अब वृंदावन जाना कहीं भी बलदेव प्रभु का मंदिर देखोगे ना कहीं अब सफेद नहीं देखोगे सब काले ही काले देखेंगे क्योंकि उन्होंने कृष्ण चिंता करते 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 उन्होंने काले बन गए और कृष्ण कहते मैं ऊपर में तो काला हूँ लेकिन अंदर में गोरो हूँ बोले क्यों बोले राधा रानी गोरी है मैं अपना हृदय में श्री राधा रानी को मैं बैठा करके रखता हूँ अरे कृष्ण क्या हो गया हरे कृष्ण बोले आत्मा तू राधिका है बोले कृष्ण का आत्मा कौन है बोले श्रीमती राधा रानी इसलिए मैं राधा जी के हृदय में धारण करता हूँ इसलिए अंदर में तो गोरा हूँ लेकिन ऊपर में काला हूँ इतने में मैया बोली सही बताओ तुमने मिट्टी खाई कि नहीं कृष्ण ने कितने कसम खा लिए बोले मैया मैं सूरज का हाथ उठा करके कह सकता हूँ मैंने मिट्टी नहीं खाई यमुना में खड़े होकर के बोल सकता हूँ मैंने मिट्टी नहीं खाई मैंने गैया के ऊपर हाथ रख कर कसम खा करके बोल सकता मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई पता नहीं कितना कृष्ण कितने झूठ बोलना शुरू करते इतने में मैया को पता है अपना बेटा कैसे है मैया बोले सही सही बता तो मिट्टी खाए कि नहीं बोले मैया आज कहा भैया तेरे को पता है बोले कहा भैया बोले ये सखा लोग अपना अपना घर से लड्डू कचौड़ी मालपुआ मिठाई चोरी चोरी करके लाते हैं मैया तेरे को पता मैं चोरी चीजें कभी खाता नहीं मैया बोले मेरे अच्छे तरह से पता तू क्या करता है नहीं करता अरे मैंने नहीं खाया सखा लोगों ने सोचा कृष्ण तो खाए नहीं हो ना हो घर में मैया को पास में चुगली नहीं करते अरे मैं चुगली करने से पहले मेरे नाम पर सब चुगली कर दी अरे तुम इनकी बात में जल्दी आ गई कृष्ण ने कहा मैया अगर मिट्टी खाए मुंह से तो खाए बोले हाँ बोले मेरे मुंह खोल कर देख ले इतने में मैया तो एक धमकी लगाई और कृष्ण का मुंह खोल दिया और कृष्ण को मुंह में ऑलरेडी मिट्टी थी कृष्ण देखा मैया को हाथ में लठिया अगर मुंह में मिट्टी देखा ना एक नीचे नहीं गिरेगा सब पीठ के ऊपर गिरेगा इतने में कृष्ण की जो इच्छा शक्ति जोग माया ने इतनी छोटी सी मुंह में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड को दिखा दिए
कितने नदी, कितने ब्रह्मा, कितने शंकर, कितने ग्रह नक्षत्र। मैया खुद को खुद उसको मुंह के अंदर में देख रही थी। मैया सोचा, हे भगवान, मैं क्या अलाई बुलाई देख रही हूँ, मेरे लाला के ऊपर कोई भूत तो सवार नहीं हो गया, नहीं तो मेरे लाला भगवान तो नहीं है, क्योंकि भगवान के पेट में ही ये विश्व ब्रह्मांड रहता है। मैया तो डर के मारे आंख खोल गई, आंख बंद कर दी। बंद करते ही कृष्ण डर गए। बोले, कृष्ण क्यों डर गए? बोले, अगर मैया को पता चलेगा मैं भगवान हूँ, फिर मैया क्या करेगी? घर में जैसे सालग्राम के लिए छोटी सी मंदिर बनाए और उसमें थोड़ी सी लड्डू भोग लगा करके और घट्टा हिला करके, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव बोल करके फिर दरवाजा बंद कर देती है। अगर मैया को पता चलेगा मैं भगवान हूँ, मेरे लिए भी छोटा सा मंदिर बनाएंगे और मेरे को भी मंदिर में बंद कर देंगे। मैं जो सखाओं के साथ में खेलता लीला करता, मेरे लीला ही बंद हो जाएगा। कृष्ण तो डर गए। इतने में कृष्ण की मन की बात समझ करके जोग माया ने मुंह से सब कुछ उन्होंने अंतर ध्यान कर दिया और उन्होंने देखा वही छोटी सी मुंह और कुछ है नहीं। फिर मैया ने काली गैया की पूछ से झाड़ा लगवाया, राई नून को मंत्र करके सर के ऊपर छिड़काव करवाए। लगता है मेरे लाला के ऊपर कोई भूत भूत लग गए। हाँ देखो, आप लोग ये लीला की तात्पर्य को समझो। आप लोग ये बताओ, कृष्णा मिट्टी खाएगी नहीं? आप लोग बोलो, कृष्णा मिट्टी खाए देगी नहीं? खाए थे ना। लेकिन कृष्ण यहाँ झूठ कैसे बोले, मैंने मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। सारा दुनिया बोलेंगे, अगर भगवान झूठ बोले तो कोई दोष नहीं, अगर हम झूठ बोले ना हमारी दोष है, दुनिया ये बोलेंगे ना। तब हमारे श्री वल्लभाचार्य कहते हैं, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। अगर प्रभु झूठ बोलेंगे ना, ये दुनिया पर झूठा हो जाएगा, क्योंकि दुनिया को बनाने वाले तो वही है ना। और भागवत का कल हम लोगों ने कृष्ण जन्म कथा सुने ना, जब कृष्ण मातृ गर्भ में आए, 33 करोड़ देवता एक साथ में गर्भ स्तुति कर रहे थे। बोले, सत्य व्रत सत्य परम त्रि सत्य, सत्य स सत्य निहितं च सत्य, सत्य स सत्य अमृत सत्य नेत्रे, सत्यात्मक त्वाम शरणं प्रपद्ये। ये 33 करोड़ देवता बोल रहे हैं। बोले, हे प्रभु, सत्य व्रतम, आपका व्रत सत्य है, आपका धाम सत्य है, आप पहले भी सनातन थे, अभी भी सनातन और बाद में भी सनातन बनकर के रहोगे, आप त्रिकाल सत्य प्रभु। ये 33 करोड़ देवता बोल रहे हैं। अरे भगवान झूठ कैसे बोलती है? देखो, श्री वल्लभाचार्य ने दो उदाहरण देकर समझाए कृष्ण झूठ नहीं बोले। बोले, पहला उदाहरण है खाना किससे कहते हैं? जब हमसे कोई अलग वस्तु हो, हम खाए तभी उसको खाना कहते हैं। कृष्ण ने कहा, मैया तू कह रहे हो मिट्टी खाई, मैं मिट्टी खाई कब? देख, ये जो विश्व ब्रह्मांड है ना, तो सब के सब मेरे पेट में ही, तो मैंने मिट्टी कब खाए? हमसे कोई अलग चीज है ही नहीं, अलग हो तब तो खाना कहते हैं ना, लेकिन दुनिया तो मेरे अंदर में, फिर मैंने खाया कब मिट्टी? ये एक उदाहरण दिए। दूसरा उदाहरण दिए, ये जो शब्द है ना, कहते ना अहम भक्सी तो वानम भो, अम्ब मन हे मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। इसको जब संधि करते हैं होता है ना अहम, ना अहम, लेकिन इसको जब संधि विच्छेद नहीं करके जब ये एक पद होता है, ना अहम का शब्द होता है ब्रह्मांड। बोले, मैया तुम मिट्टी की क्या बात करती हो, ये विश्व ब्रह्मांड तो मैंने खा करके रखा, तेरे को विश्वास नहीं हो रही है, मेरे मुंह खोल करके देख ले। अरे मैया को उन्होंने विश्व ब्रह्मांड दिखा लिया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ बोलेंगे तो दुनिया भी झूठा हो जाएगी। इसलिए कृष्ण मिट्टी क्यों खाए, कारण क्या? बोले, कारण है, पहला कारण बताए। बोले, माँ तू बोल रहे हो मैंने मिट्टी खाई, अकेला मिट्टी खाई, नहीं मैया, ये ब्रज रज की इतने महिमा, जब उद्धव जी ब्रज में आए, जब उन्होंने ब्रजवासियों की महिमा देखा, उन्होंने भी प्रार्थना किया। बोले, क्या प्रार्थना किया? बोले, आशा महो चरण रेणु जुसांग महंग स्यांग, वृंदावन किमपि गुल्मा लतो सधिना।
उद्धव जी कहते हैं क्या मेरा ऐसे सौभाग्य होगा ब्रज में मेरा घास होकर जन्म हो जाए। बोले क्यों? बोले ये ब्रजवासी ब्रज की गोपियां जब कृष्ण को साथ में मिलने जाएगी, अगर मैं घास बन करके रहूंगा ना, चल करके तो जाना ही पड़ेगा, इनकी चरण धूल मिलेगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बोले यहाँ की लता बन करके जन्म लूं। बोले क्यों? बोले कुंज कुंज में जब लीला करेंगे प्रभु का लीला दर्शन हो जाएगा। बोले यहाँ की औषधि वृक्ष रूप में जन्म हो। बोले क्यों? जब कभी बुखार होगा, कभी तबीयत खराब होगा, दवा तो खाना ही पड़ेगा। अगर ये मैं यहाँ की जड़ी बूटी बन करके जन्म लूं, जब वो औषध रूप में ग्रहण करेंगे कम से कम उनके हृदय में चला जाऊंगा। इसलिए श्री उद्धव जैसे व्यक्ति यहाँ के चरण की धूल प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा भी यही धूल प्रार्थना किया, शंकर भी यही धूल को प्रार्थना करते हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा भैया मैं अकेला ब्रज धूल नहीं खाए, तू मुंह खोल कर देख ले ये विश्व ब्रह्मांड को मैंने ब्रजरज दिया है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। एक भजन सुन लो कि वृंदावन के दीक्षित मर्म न जाने को निदान दान और पाप पाप पे श्री राधे राधे कि वृंदावन मकरंद है रस की करते रस पान प्यारे नाम भाग्य बिहारी का दर्शन किस किसने किया है? किया है आधे बात आधे लोग नहीं किया। अजय जो भाग्य बिहारी जो लोग दर्शन किए हैं वहां आधा मिनट एक मिनट अंदर अंदर पर्दा गिर गया, देखा कि नहीं पर्दा लग जाता है। तो पर्दा जब लग जाता है क्यों लगता है? क्योंकि हमारे भक्त बिहारी इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, सुंदरम कितना सुंदरम, क्योंकि उनको नजर ना लग जाए इसलिए दो मिनट अंदर अंदर पर्दा लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल भगवान। भक्त के मन में इतने प्रेम होता है, भक्त अपने आंखों में बैठा के माता बिहारी को लेके चले जाते हैं, इसीलिए पर्दा लगाते हैं। कई बार लेके चले भी गए कई जगह। तो आइए तो माता बिहारी को जो देखता है, आप लोगों ने माता बिहारी का दर्शन किया, आंखें लड़ाया कि नहीं? माता बिहारी से लड़ाया? किस किस ने लड़ाया? बस चार आदमी लड़ाया, मतलब दर्शन सब ने किया, आंखें नहीं लड़ाया। जब आंखें नहीं लड़ता है ना प्रेम नहीं होता है। इसलिए हमारे ब्रज के रसिक जब कहते हैं क्या होते न लड़के होते न लड़के बाकी बिहारी अब I'm gonna make it right.
में जाएंगे प्रेम से और जिनको मांगना आता है वो सामने आता नहीं आता है तो पानी में जाता है। श्री राम है Hey!
सखाओं को बुला करके बोले देखो सखाओं हम लोग एक नया खेल खेलेंगे। बोले भैया कौन सा नया खेल है? बोले हम घर घर में मक्खन चोरी करेंगे। बोले भैया चोरी तो गद्दी चीज है, बोले थोड़ी कोई पैसा रुपया चोरी करने वाले, हम तो खाने का चीज चोरी करेंगे। क्योंकि जब मैया यशोदा कृष्ण को गोद में बैठा करके जब मक्खन खिलाती हैं, उनको दूध पिलाती हैं, ये गोपियों की मन में भी इच्छा होती है क्या कृष्ण कभी हमारे घर में भी आए, हम भी कभी कृष्ण को गोद में बैठा करके उन्हें भी मक्खन खिलाए, दूध खिलाए और मक्खन मिश्री खिलाए। अब ये ब्रजवासियों की भावना को समझ करके कृष्ण बोले देखो सखाओं, पहले मैं अपना घर में मक्खन चोरी करके देख लेता हूँ, पकड़ में आता भी नहीं, फिर तो दूसरे घर में चोरी करेंगे। एक दिन मैया को नजर बचाते हुए कृष्ण अपना घर में मक्खन चोरी कर रहे थे। कृष्ण का घर कैसे? बोले मणि से बना हुआ है, हीरे जवाहरात से घर बना हुआ है। कृष्ण जब मक्खन चोरी करते 2.5 साल के थे, उनको ये भी पता नहीं परछाई भी कोई चीज होता है, और उनका जो स्तंभ पिलर वो मणि के थी। कृष्ण जब मक्खन चोरी कर रहे थे तो परछाई
मणि स्तंभ में पड़ा। कृष्ण को ऐसे लगा से आज मैं जैसे मक्खन चोरी कर रहा हूँ, मेरे घर में मेरे जैसे और भी कोई बच्चा चोरी कर रहा है, इसने तो देख लिया, अभी इसको मैं दोस्त बना देता हूँ, फिर ये मैया से बोलेगी नहीं। बोले देख लाला, तू भी मक्खन का मैं भी खाता हूँ, लेकिन मैया को बोलना नहीं। वो परछाई भी वही बोला, तू खा मैं ही खाता हूँ, मैया को नहीं बोलना। कृष्ण बोले, तू मेरे घर में मक्खन चोरी कर रहे हो और मेरे को तू आदेश दे रहे हो। वो परछाई भी वही बोला, कृष्ण तो परछाई से ही झगड़ा करना शुरू कर दी। मैया पास घर में काम कर रही थी, बोले घर में कोई नहीं, किसको साथ में लड़ रहा है। मैया धीरे धीरे आकर के देखा, परछाई को साथ में लड़ रहा था। मैया बोली, लाला किससे तू लड़ रहे हो। बोले भैया, मैया भी देख लिया, कृष्ण छलांग लगाए उखल से और जो मणि का पिलर को ऐसे गोद में ले लिया। बोले भैया भैया, घर में एक चोर घुस आए हुए। बोले कहां पर। बोले खंभे में। मैया ने कहा, देखा कितने भोले वाले। बोले ये बताओ, घर में तो चोर घुस आए हो, लेकिन तेरे हाथ में मक्खन कैसे लगा। बोले भैया ये भी ठीक है। बोले मेरे हाथ में तुमने जो मणि के कंगन पहना दी थी, ये गर्म हो गया था, मक्खन के अंदर में डाल करके ठंडा कर रहा था। बोले मक्खन को तो ठंडा कर रहा था, लेकिन तेरे मुंह में कैसे आ गया। बोले ये भी सही है। बोले कि चिट्ठी चल रहा था, चिट्ठी को हटाने के लिए गया तो मुंह में मक्खन लग गई। मैया बोली, लाला तुम मेरा अकेला लाला, जो कुछ बनाती हो तेरे लिए, फिर ये चोरी चरके करके कि तुम क्यों खाते हो। कृष्ण ने कहा, जीवन में पहला बार मैं पकड़ा गया, लगता है जिंदगी भर पकड़ना है। अभी कृष्ण ऐसे ब्रज में घर घर में प्रभु लीला कर रहे थे, लेकिन ब्रज में एक नई कोई गोपी शादी करके आई, वो थोड़ी लिखी पड़ी थी और बड़ी चालाक चतुर थी। उसको पता चला कृष्ण घर घर में मक्खन चोरी करते हैं, लेकिन उनको कोई पकड़ नहीं पाते। बोला मैं देखती हूँ कृष्ण कैसे मक्खन चोरी करते हैं। वो एकदम सवेरे सवेरे लठियां लेकर के दरवाजे के सामने बैठी गई। कृष्ण सखाओं के साथ में आए चोरी करने के लिए, लेकिन देखा वो गोपी बैठी हुई। कृष्ण एक चक्कर लगाए, उसने दो चक्कर लगा, देखा सभी बैठे हुए। उनने फिर तीन चक्कर लगाए, इतने में वो गोपी कहती, बोले कन्हैया आज दाल गलने वाले नहीं, आज मैं बैठी हुई हूँ, कैसे चोरी करोगे। कृष्ण ने कहा, भैया मैं तो किसी शुभ काम में जा रही थी, तुमने मेरे को टोक दिए। बोले तेरे सारे नारी नक्षत्र में जानती हूँ, कल अगर ये गली से आया ना, सीधा पकड़ करके मैया के पास में ले जाऊंगी। कन्हैया तो दूसरे दिन वो गली ही आना छोड़ दिए, लेकिन ये गोपियों को वो मक्खन चोर को देखते वगैरह चैन कहाँ पड़ती है। एक प्रहर हो गया, दो प्रहर हो गया, तीन प्रहर जब हो गया, वो मक्खन चोर का दर्शन नहीं मिला, गोपियां तो बाबड़ी बन गई। गोपियां को रह नहीं गई, वो झूठ के झूठ बना करके, झूठ मूठ का बहाना बना करके मैया जसोदा के घर में आ गई। बोले मैया मैया, लगता है हमें ये गोकुल छोड़ करके और किसी दूसरे गांव में जाना पड़ेगा। बोले क्यों, क्या बात है। बोले तेरे लाला हमारे घर में मक्खन चोरी करता है। बोले एक काम करो, मेरे लाला छोटो से है, उनको ऊपर छिखा में रख दिया करो, तेरे लाला का हाथ नहीं पहुंचेगा। बोले भैया हमने सो करके भी देख लिया। बोले फिर घर में कोई जीना नहीं तो सीढ़ी बना कर रखे। बोले बनाने का जरूरत नहीं, तेरा लाला बना ही लेता है। बोले कैसे। बोले दाऊ भैया थोड़े से मोटे, उनको नीचे बैठा देते, उसको ऊपर मधुमंगल, उसको ऊपर में सुबल, उसको ऊपर में श्रीधर, और कृष्ण खुद ऊपर चढ़ जाते और उतार लाते। अगर उतार लिया तो ठीक है, अगर उतारा नहीं ना, फिर तो डंडे मार करके मटकी फोड़ देते हैं और पूरा के पूरा पी लेते हैं। बोले एक काम करियो, मेरे जो लाला है ना, अंधकार को बहुत डरता है, अंधकार में रख तो लाला जाएगा नहीं। बोले हम वो भी करके देख लिया। बोले फिर बोले लाला का शरीर में तुम जो ये अलंकार पहनाते हो हीरे जवाहरात को, वो अंदर में प्रवेश करते ही अपने आप उजाला हो जाता है। बोले इसको मैं निकाल दूं। बोले तेरी सौगंध। बोले ये अलंकार की बात छोड़ दे, तेरे लाला की जो नख है ना, ये नख में इतने प्रकाश है, इसलिए वेद कहता है ज्ञानी जिसको ब्रह्म कहते हैं वो ब्रह्म है कौन। बोले कृष्ण की नख की छटा वही ब्रह्म है, उसमें इतने प्रकाश है, वो अपने आप उजला उजला हो जाता है। मैया ने कहा एक काम करियो,
मेरे लाला जितने मक्खन खाता है मेरे घर से डबल डबल ले जाएगा। गोपियां की भैया तेरी आशीर्वाद से घर में किसी चीज की कमी नहीं, ठाकुर का आशीर्वाद से घर भरा पड़ा हुआ है। फिर उन्होंने कृष्ण को दर्शन करते हुए ऐसे चली जाती है। एक गोपी रोज रोज शिकायत करती, मैया बोलते मैं नहीं मानती, रंगे हाथों से पकड़ा करके दिखा दो क्योंकि मेरे घर में तो ना लाग गई है। अब लोग नंदगांव गए हो, कौन कौन नंदगांव गए हो, वहां पर अभी भी एक कुंड है, उसका नाम छांच कुंड है। कहते ब्रज में इतने छांच हुआ करता था, पीने वाले कोई नहीं होते थे, वो तालाब में लेकर उड़ाल देते थे क्योंकि ना लाख गैया, अगर तुम्हारे घर में 10-20 गैया हो जाए देखना कितना। अब बड़े बड़े मैंने सुना दूध आता है ना कभी कभी, आपके कलज में दूध जाए जाते, कितना गैया है इतना दूध देते। जहां पर नंद बाबा के घर में ही नए लाख है और दूसरे दूसरे गोपो घर में तो और भी गैया है। एक दिन नंद बाबा बोले मैया जसोदा को, मैया जसोदा बोले नंद बाबा को, लगता है मेरे लाला कमजोर हो रहा है। बोले कमजोर हो रहा है? बोले हाँ। बोले चिंता मत करो, कल एक दूध का मैं तालाब बना दूंगा। मेरे लाला खूब तैरते रहे और जी भर के दूध पिए। दूसरे दिन ही नंद बाबा दूध का तालाब बना दिया। बोले लाला खूब इसमें गोता लगा दो और जितना जी भर के दूध पीते रहो। इसलिए मैया बोली मेरे को विश्वास नहीं होता है, मेरे लाला तुम्हारे घर में मक्खन चोरी करता है, रंगे हाथों से पकड़ा करके दिखा दो। बोले ठीक है, कल हम तुमको जरूर दिखाएंगे। हरे कृष्ण भैया, बढ़िया जब कीर्तन होगा ना तुम। इसलिए बोले रंगे हाथों से दिखवा दो। कृष्ण तो रोज जाते हैं। एक दिन एक गोपी कृष्ण के लिए बड़े सुंदर मटकी में दूध दही मक्खन को धर दी और कोने में छुप करके बैठी। कृष्ण आए, इधर देखे उधर देखे पीछे देखे, देखा कोई है ही नहीं, और बिल्ली जैसे धीरे धीरे अंदर में गए। और जब मक्खन खा लिए ना, इतने में मैया झट उसने हाथ पकड़ ली। बोले कहाँ जाओगे? चलो सीधा मैया के पास में। बोले गोपी आज छोड़ दे, कल से तेरे घर में मैं नहीं आऊंगा। बोले नहीं, मैया मानते नहीं, चल मैया के पास में। जब मैया के पास में ले जा रही थी, सामने नंद बाबा घर की दरवाजा में बैठे हुए। वो नंद बाबा जेठ लगते हैं, आप लोगों को पता होगा, पहले जेठ को पर्दा करते थे, जेठ के सामने नाम नहीं लेते, जेठ को उनको सामने नहीं जाते। अभी नंद बाबा को देख करके उन्होंने अपना पर्दा कर दिया और कृष्ण को ऊपर में एक कपड़ा से ढक दी। बोले पीछे दरवाजा से मैं दिखा दूंगी। लेकिन कृष्ण कौन है? बोले भगवान है। बोले भगवान मतलब क्या होता है? बोले हे को नहीं, नहीं को जो है कर सकते हैं। जो उसने कपड़ा ढक दिया ना, कृष्ण उसका बेटा ही बन गया। कृष्ण उसको बेटा बन गए और पीछे दरवाजा से मैया गई। बोले मैया जसोदे। बोले कहा बात है? बोले तुम मानती नहीं ना, तेरे लाला घर में मक्खन चोरी करता है, आज तो हम रंगे हाथों से पकड़ा करके लाए। लेकिन उसी समय मैया जसोदा कृष्ण को थपथपी लगा करके सुला रही थी। बोले लाला तो मेरे सो रहा है, किसको पकड़ करके लाए? मैया निकल करके आई। बोले कहा बात है? बोले तुम मानते नहीं ना, आज लाल रंगे हाथों से पकड़ करके लाए। बोले क्या बाबरी बन गई? मेरे लाला तो घर में सो रहा है, तू तो अपना बच्चे को पकड़ करके लाए। बोले कैसे? अपना घूंघट निकाल ली, लाला को जो कपड़े से ढक दी थी खोल करके देखा, उसका अपना बेटा। वो अपना बेटा, इतने में कृष्ण अंदर में सो रहे थे, वो आंख को मलते मलते आए। बोले मैया देख लिया, ये गोपी कितने झूठ बोलती है, मैं घर छोड़कर कभी जाता ही नहीं, ऐसे झूठ बोलती ना, कल से मैं सचमुच से जाएगा। मैया तो इतने शर्मिंदा में पड़ गई गोपी। बोले ये दरवाजा तक तो ये कृष्ण था, ये कपड़ा ढकते बदल कैसे गया? मैया बोले खबरदार, और उसे झूठ नहीं बोलना। जब वो गोपी जा रहे थे ना, कृष्ण दूसरे रास्ता से आ रहे। बोले क्यों गोपी, क्या बात है? मैंने पहले बोला था, मेरे को पकड़ करके मत ले जाया कर, मैं तेरे कसम का पाप पड़ता हूँ, तेरे ननद की, तेरी सास की, तेरी बहू की, तुमने सुनी नहीं ना? देखा आज मैं तेरे बेटे को ही चोर बना दिया, अगर भविष्य में फिर अगर मेरे को चोर बना करके लाओगे ना, तेरे कसम को चोर बना दूंगा। बोले लाला मैं हार गया, तू जीत गया। ऐसे ही कृष्ण घर घर में मक्खन चोरी करते थे। एक दिन एक गोपी सोची, कृष्ण को मैं घर में बांध करके घर में रखूंगा, मैया को बुला कर दिखाऊंगा। कृष्ण आए और घर में मक्खन चोरी कर रहे थे। इतने में उसको गोपी पकड़ ली, पकड़ करके बोले तेरे को मैं घर में बांध कर रखूंगी।
बोले चल अंदर में ले गए, बोले खंभे में हाथ रख। इतने में कृष्ण खंभे में हाथ रखे, अपना चोटी से फीता को निकाले, रिबन को निकाल करके जब बांधने के लिए गई, भगवान का हाथ तो बड़ी कोमल है, मक्खन से भी ज्यादा कोमल है, वो बंधने में नहीं आए, खिसक जाए। कृष्ण बोले गोपी तुमने कभी जीवन में बंधी गई कि नहीं? बोले नहीं। बोले जब तक खुद बंधी नहीं जाओगी फिर कैसे तू बांधोगे? बोले लाला तेरे को बांधना आता है। बोले और क्या? बोले थोड़ी सी सिखा दे। बोले रख खंभे में हाथ रख, अभी तेरे को सिखाता हूँ। उसने खंभे में हाथ रखे, कृष्ण एक लपेटे दो लपेटे, एक गांठ दो गांठ और गुण गांठ अच्छे तरह से बांध दी। बोले कन्हैया तेरे को तो बड़े सुंदर बांधना आता है। बोले और क्या? मैं तो अपना प्रेम में बड़े बड़े ज्ञानियों को योगियों को भी अपना प्रेम में मैं बांध देती हूँ। बोले कन्हैया तू हाथ खोल दे। बोले गोपी अभी तक तुमने किसको खोलना सिखाई नहीं, सबको बांधना ही सिखा, बस अंगूठा दिखाए 9-10-11 हो गए। अभी कृष्ण को किसी तरह से कोई पकड़ नहीं पाते हैं। एक दिन मैया कृष्ण से बोले, बोले लाला लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन है। बोले क्यों मैया? शादी नहीं होगा। बोले बताओ कैसे शादी होगी? पूरा ब्रज ब्रज में हला हो गया, तू घर घर में मक्खन चोरी करते, बताओ चोर को कोई बेटी देगी? लगता है जिंदगी भर कुंवारा कुंवारा तू रहोगे, तेरी शादी नहीं होगी। कृष्ण ने देखा भैया बड़ी गड़बड़ हो गई, मैया कहती मेरी शादी नहीं होगी। कृष्ण सोचा मैया को मैं ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो मैया को विश्वास हो जाए मैंने मक्खन चोरी नहीं की। कृष्ण देखो क्या सुंदर उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जो सूरदास का भजन है, बोले मैया मोरी मैंने माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने माखन खायो। आप लोग ये भजन सब सुने हो, सुने कि नहीं? देखो कि तुम भैया ये बताओ मैंने कब मक्खन चोरी की? बोले भोर भयो गई अन्न तो पास से मधुबन मई पुटा, चार प्रहर बंसी बट भट को सांझ पड़ो घर आयो। बोले हाँ। बोले दिन भर गैया चराया, शाम को आया, रात भर तेरे गोद में सोया था कि नहीं? बोले हाँ मेरे गोद में सोया था। बोले मैया बताओ फिर मैंने कब मक्खन चोरी? बोले मैं बालक बही अन्न को छोटो काहे विधि छिके पायो, इतना छोटा सा बात 2.5 साल का बच्चा हूँ और इतने छिके के ऊपर में मक्खन वैसे रखते हैं, बता मेरे हाथ कैसे गया? बोले तेरे मुंह में जो मक्खन लगा हुआ रहता है। बोले मैया ये जितने सखा लोग है ना इतने दुष्ट है, खूब तो मक्खन खाते हैं, अरे मेरे मुंह में जोर करके मेरे मुंह में लगा देता और मेरे को चोर बना देता, और तू बड़ी भोली भाली, अरे इनकी बातन में जल्दी आ जाती हो, जल्दी तू आ जाती हो, लगता है मैं तेरे लाला है ही नहीं, किसने मेरे को जन्म देकर कोई फेंक गया था और तुमने वहां से उठा करके मेरे को लाल में पाला, क्योंकि दुनिया मेरे को चोर कहते तू भी चोर कहती हो, शायद मेरे लाला तेरे है ही नहीं। इतना बोलते ही मैया को तो सहन नहीं हुई, मैया तो कन्हैया को गोद में धर लिया। बोले लाला तेने मक्खन नहीं चोरी की। फिर कृष्ण उसको बदला देते हैं, बोले मैया मोरी मैंने मक्खन खायो। फिर मैया फिर इसको बदला करके बोले मैया नहीं नहीं मैंने मक्खन खाया। देखो कृष्ण ये मक्खन चोरी क्यों करते थे? देखो आप लोग मक्खन बनाते हो, कौन कौन बनाते हो मक्खन?
हाथ उठा कौन कौन घर में मक्खन बनाए करके सबके सब मक्खन बनाते। देखो इसके तात्पर्य को समझो, ये मक्खन चोरी का मतलब क्या है। ये मख मतलब होता है क्रोध, ना मतलब नहीं। भगवान किसको चोरी करते हैं, चोर किसको कहते हैं, जब कोई पराया चीज को कोई चोरी करे, बोले विश्व ब्रह्मांड तो उन्हीं का है, वो किसका चोरी करेंगे, दुनिया उन्हीं की ना, तो वो चोरी करेंगे किसको, फिर उन्होंने किस चीज को चोरी करते थे, इसलिए वो उनकी मक्खन चोरी नहीं कहते। मख मतलब होता है क्रोध, अन्ना मतलब होता है नहीं है। ठाकुर जी उसी चीज को चोरी करते हैं जिनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नहीं, उनकी हृदय को ठाकुर जी चोरी करते हैं। बोले भैया किसकी हृदय में नहीं, बोले ये संतों का हृदय में नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले संत हृदय न बनी ता समाना कहा कभी ने पर का ही न जाना। संतों का हृदय ही मक्खन है। बोले भैया संतों में सबसे बड़े संत कौन है, बोले ब्रजवासी है। और उनसे बड़े संत कौन, बोले ब्रज की गोपियां है। ये गोपियां कोई स्त्री नहीं, हमारी जैसे स्त्री नहीं। ये गो मतलब होता है इंद्रियां, और पी मतलब होता है पीना, जो नित्य निरंतर इंद्रियों को द्वारा कृष्ण भक्ति रस को जो पान करती है, ये ब्रज की गोपियां हैं। इसलिए कृष्ण मक्खन चोरी करने नहीं, ये गोपियों के हृदय को चोरी करने के लिए जाते थे। हाँ मक्खन बनाते हो, देखो मक्खन कैसे बनता है। पहले दूध लाओ, पहले दूध लाओ, फिर दूध को गर्म करो। बोले गर्म करना मतलब, बोले जिसकी कभी जब किसके हृदय में भगवत प्राप्ति को उत्कंठा जगे, ठाकुर हमें कैसे मिले, ठाकुर हमें कैसे मिले, ठाकुर हमें कैसे मिले, उसको कहते उत्कंठा। यही गर्म है, अभी हो गया गर्म, फिर उसमें जमन डाला। जमन ज्यादा होगा ना खट्टा हो जाएगी, थोड़ा सा होनी चाहिए। भैया ये जमन क्या है, बोले जमन हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जगेगी, फिर भगवत इच्छा से हमें सदगुरु की प्राप्ति होती है। सदगुरु हमें जो मंत्र प्रदान करते हैं, ठाकुर जी का नाम देते हैं, यही जमन है, यही जमन हो गया। अभी जमन डाल दिए, अब बैठ गया दही। जब दही हो गया उसको बाद में क्या करो, फिर उसको मंथन करो, उसको मंथन करो। बोले मंथन क्या है, बोले गुरु जी से तो हरिनाम ले लिया, माला ले लिया। अगर माला अगर लटकता रहेगा वह रहेगा क्या, ठाकुर हमें मिल जाएंगे, नहीं। माला को लेकर के नियमित तो पूर्वक नाम जप करना पड़ेगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये जो हरिनाम मैंने दिया है, हरिनाम नहीं, हरि से बड़ा हरि का नाम। भगवान कलयुग में अपना नाम रूप में ठाकुर जी आए हैं, ठाकुर जी अपना नाम रूप में ठाकुर जी कलयुग में आए हैं। इसलिए जो हरिनाम दिया है, अभी ये हरिनाम को ठीक ठीक से जप करो। हरिनाम को जैसे आप कलकत्ता जाओगे, नहीं तो बम्बे जाओगे, एक टिकट काटे, अगर पकेट में रखोगे कि अगर कलकत्ता बम्बे में पहुंच जाओगे, नहीं। आपको रेलवे स्टेशन में जाना पड़ेगा, अगर फ्लाइट में हो तो एयरपोर्ट में जाना पड़ेगा, बोर्डिंग लेना पड़ेगा, अपना सीट में बैठना पड़ेगा, फिर जाकर के विमान नहीं तो ट्रेन तुम्हें कलकत्ता नहीं तो बम्बे पहुंचाएगा। अगर टिकट को अगर पकेट में रख दो क्या पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच जाओगे। इसलिए गुरु जी से हम जो हरिनाम माला लेते हैं, ये माला को हमें अभी ठीक से जप करना पड़ेगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरिनाम जो गुरुदेव हरिनाम दिए, हरिनाम नहीं दिए, स्वयं ठाकुर जी हमें दिए, ठाकुर जी को गुरु जी हमें ठाकुर जी दिए हैं, अभी ये हरिनाम को जप करना पड़ेगा। आप लोगों ने वाल्मीकि का नाम सुने हो, कौन वाल्मीकि का नाम सुने हो, सब कैसे जानते हो। पहले ये दशरथ नगर था, इतने बड़ा पापी था, जब नारद जी से मिले, नारद जी से, नारद बोले भैया बोलो राम, बोलो बोलो जोर से बोलो बोलो आपका राम बोल दिए, लेकिन उसको मुंह से ही प्रभु का नाम ही नहीं निकला, इतना पापी था। बोले भैया तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते हो, बोले हाँ मरा मरा तो बोल सकता हूँ। इसलिए उल्टा नाम जपत जगत जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, अरे नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार कर सुमन मानमाई। आपने लव कुश देखे हो टीवी में, देखो देखे ना, देखो वाल्मीकि पहले दशरथनगर था, लेकिन ये प्रभु का नाम जप करते करते, उल्टा नाम जप करते करते
सीधा हो गया और इतने बड़े ऋषि बने। राम आने से पहले रामायण लिख दी और उन्होंने लवकुश को पढ़ा दिए, पहले रामायण लिखे और उन्होंने लवकुश को पढ़ा दिए। लवकुश जाकर के राम दरबार में राम को ही राम कथा सुना रहे थे, हैं? इसलिए भगवान का नाम इतने शक्ति। उदाहरण दिया जैसे आप किसी तरह से अगर प्रभु का नाम लो, उदाहरण दिया जैसे गेहूं, आप लोग तो राजस्थान में कभी गेहूं लगाया पहले देखना, खेती में जब गेहूं लगाते हैं ना बीज को ऐसे लेकर फेंक देते, ऐसे फेंक देते हैं ना, भरे उल्टा पड़े नहीं तो सीधा पड़े किसी तरह से पड़े, लेकिन जब पेड़ उठता है कैसे उठता है बोला, पेड़ कैसे होता है सीधा, भले ही जैसे आप बीज को फेंक दो लेकिन जब पेड़ निकलेगा ना वो सीधा ही निकलेगा। कहते हैं भगवान के नाम में इतने शक्ति, अगर किसी तरह से मुंह से प्रभु का नाम निकल गया तो जरूर जीव का कल्याण कर देता है। इसलिए बोले मधुरम मधुरम मेतर मंगलम मंगला नाम। ठाकुर जी का जो नाम है मीठे से भी मीठे हैं, ये मंगल से भी मंगल ठाकुर का नाम, अगर किसी तरह से मुंह से ठाकुर का नाम निकल जाए जीव मात्र को ही ये कल्याण कर देती है ठाकुर जी का नाम। इसलिए गुरु जी से हमने जो हरि नाम लिए, हरि नाम नहीं स्वयं ठाकुर जी अपना घर में आए, फिर नाम को क्या करो नियमित पूर्वक नाम को जप करो, ठीक है ना, सवेरे उठ करके थोड़ी समय ठाकुर के लिए दो, हजार काम करोड़ों काम छोड़कर सवेरे पहले भगवान की भजन माला करो, उसके बाद में अपना घर गृहस्थी करो, ठाकुर को सेवा मान करके अपना संसार करो, ठीक है ना। इसलिए अब जब उसको मंथन करो, फिर मंथन करोगे तो क्या निकलेगा बोले मक्खन, एक तरफ में छाछ, बोले भैया ये मक्खन क्या है, बोले प्रेम। जब हम भगवान की नाम जप करेंगे यही नाम ही एक दिन साक्षात कृष्ण रूप में दर्शन देगा। मक्खन मतलब होता है प्रेम, जब हृदय में प्रेम जगेगा फिर भगवान को पास में जरूरत नहीं जाने का, भगवान तुम्हारी घर में आएंगे। कृष्ण गोपियों के घर में आते थे, गोपियां कृष्ण घर पर नहीं जाते थे, ये गोपियां कृष्ण गोपियों के घर में आकर के मक्खन चोरी करते थे, ये इधर आ जाओ गड़बड़ करते, इसलिए ऊपर आ जाओ प्रभु जी। इसलिए भगवान के नाम में बड़ा ताकत है, ये मक्खन चोरी का मतलब है मक्खन चोरी नहीं, भगवान गोपियों के घर में उनकी हृदय को चोरी करने के लिए प्रभु, उनके हृदय को चोरी करने के लिए प्रभु जाते थे, ठीक है ना। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो ये जो भागवत का जो सार है ना, ये ठाकुर का नाम है। जब भागवत प्रारंभ हुई वो ठाकुर का नाम से प्रारंभ हुई, और भागवत जब विश्राम की ठाकुर जी के नाम में विश्राम की, इसलिए भागवत का जो पूरा जो सारांश है वो ठाकुर जी की नाम ही भागवत का सार। अगर ये कथा सुन करके ठाकुर जी का नाम का प्रति अगर आपकी रुचि हो गई ना, समझना हमारा कथा सुनना सार्थकता हो गई, कथा सुनना हमारी सार्थकता हो गई। अभी हमारे बीच में श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी, प्रभु जी थोड़ी सी आपको नाम के ऊपर में कथा सुनाएंगे, ठाकुर का नाम में कितना शक्ति, और दूसरे प्रभु भी कुछ कथा सुनाएंगे हरि नाम के ऊपर में, ठीक है। फिर हरि नाम हरि की माला करेंगे, उसको बाद में फिर गिरिराज की पूजा होगी। आज आप लोगों ने बहुत बड़ा सुंदर सुंदर प्रसाद लाया, आज बहुत प्रसाद आपको मिलेगा, सबके सब प्रसाद लेकर के इधर आ जाना, हाँ इसलिए सबके सब प्रसाद लेकर जाना। और देखो कल है ये भागवत कथा के विश्राम है, भागवत कथा कभी समाप्त नहीं होता है, क्यों, हरि अनंत हरि कथा अनंत, कभी समाप्त नहीं होता है, इसलिए भागवत का कल विश्राम का दिन है। इसलिए कल भगवान की शादी है, भगवान द्वारकाधीश की कल शादी है, इसलिए कल सबके सब बारात बनकर के आना, कैसे बनकर के आओगे, जैसे शादी में बढ़िया चमक धमक जैसे कपड़ा पहन कर जाते हो एकदम लाल लाल रंग के, हैं, कल भगवान की शादी होगी, हाँ, और कल सुदामा की भी कथा है, भगवान की रास भी कथा होगी, और लास्ट में होली खेलेंगे। लास्ट कथा में जो दो साल पहले कथा हुई थी, कथा में कौन कौन थे हाथ उठा, पिछली बार बहुत बढ़िया होली हुई थी, यहाँ का होली सब होली को खेल कर दिया था, इतने आप लोगों ने फूल लाए थे, ठीक है, इसलिए कल हम फूल की होली खेलेंगे। अगर गुलाल लाना तो ला सकते हो आप लोग, लेकिन ठंडा में अगर गुलाल पड़ा तो कपड़े में फिर स्नान करना पड़ेगा, इसलिए हाँ आपकी जैसे इच्छा थोड़ा फूल ले आना कल लास्ट में। आज बिरज में होली रे रसिया, हाँ होली रे रसिया, कल हम होली से
कथा का समाप्त करेंगे और माइक ले लो, माइक प्रभु जी ठीक है ठीक है। हाँ हमारे प्रभु जी अभी आपको थोड़ी सी भगवत नाम के ऊपर में कथा सुनाएंगे। देखो ये जो प्रभु जी है ना, ये दिल्ली से है, इन्होंने MBA उन्होंने किया है और इन्होंने भगवान की भजन करते हैं और कॉलेज कॉलेज में जा करके बच्चों को भगवान की भक्ति को उपदेश देते हैं। हम कैसे जीवन को भगवान की भक्तिमय बना सकते हैं, हैं? सब बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, घर घर में जाते हैं, सत्संग करते हैं। और यहाँ पर हम गोविंद देव मंदिर के पास में हम एक छोटी सी जगह ले रहे हैं जहाँ पर सत्संग होगी, संडे संडे में प्रोग्राम होगी। अगर किसकी घर में इच्छा हो, संत लोग आए घर में हरी कथा करें, हरी चर्चा हो, आप लोग आप बुला सकते हो। और आज आप लोगों का सब नाम और फोन नंबर दे करके जाना, ठीक है? और यहाँ पर भी कोशिश करेंगे जैसे 15 दिन में हो, नहीं तो एक सप्ताह में हो, यहाँ पर हमारे कोई भक्त लोग आएंगे आ करके यहाँ पर, जैसे ये रामेश्वर धाम मंदिर भी है और अनिल प्रभु जी का भी घर भी है, हैं? बीच बीच में आप सबको हम यहाँ पर निमंत्रण देंगे, आप लोग आना, थोड़ी सी प्रभु की कथा सुनना और कीर्तन करना। क्योंकि हम कल बता रहे थे ना, जिस घर में बच्चे प्रभु की भक्ति करे, भगवान की भजन करे, उसी घर में शांति सुख बनी रहती है। आप लोगों को पता होगा बच्चे अभी बड़ी गलत रास्ता पर जा रहे हैं, हैं? घर से गए कहाँ घूम कर के आपको पता नहीं, सिगरेट फूंकना, शराब पीना, उल्टा चीज को खाना पीना और गलत संगत करना। लेकिन अगर आप लोग भक्ति में जुड़े रहेंगे आपका बच्चे बुरे रास्ता में नहीं जाएंगे। पिता माता को सबसे पहले तो पिता माता को सेवा करेंगे, पिता माता की चरण पूजा करेंगे, हैं? अगर आप भक्ति की संस्कार नहीं पड़ेगा तो फिर बच्चे सब गलत रास्ता पर जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं हम लोग ऐसे कुछ करके जाए, जैसे आपका जो रामेश्वर धाम कॉलोनी है ना, रामेश्वर धाम कॉलोनी है, जैसे सचमुच से आपका जो रामेश्वर धाम कॉलोनी घर घर भगवान की धाम हो जाए, वृंदावन बन जाए। क्योंकि जिस घर में ठाकुर का भजन पूजा भक्ति हो ना, वो घर नहीं वो वृंदावन हो, ठाकुर जी की वृंदावन बन जाएगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे जैसे यहाँ पर महीना में 15 दिन में सप्ताह में जैसे यहाँ पर सत्संग हो, प्रभु जी बीच बीच में यहाँ आते रहेंगे। और भी कल जो एक माता जी कथा सुना रही थी, वो माता जी भी आज उनके घर में सत्संग है। ये कथा के बाद में हम उनके घर में जाएंगे, आज उनके घर में सत्संग है, सब भक्त लोग भी उनके घर में आएंगे। अभी प्रभु जी आपको थोड़ी सी नाम की महिमा सुनाएंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, उम ज्ञान ते मिरांदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपानु गुरुवरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। पूज्यपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। आप में से कितने लोग गिरिराज गोवर्धन गए हैं, हाथ ऊपर करो। सारे गए हो, ठीक है, हाथ नीचे कर लो। ये बताओ कितने लोग गणेश जी के मंदिर जाते हैं, उत्तरी की सारी जाते हैं। कितने लोग हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, कितने लोग शनि के मंदिर जाते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊं सच, आप में से कोई भी गिरिराज नहीं गया, आप सब लोग झूठ बोल रहे हो। कैसे, इसको अच्छी तरह समझना। भगवान ने गिरिराज जी से क्या शिक्षा दी थी, भगवान ने गिरिराज जब जी को उठाया क्या शिक्षा दी, किसी भी देवी देवता का भजन नहीं करना, इंद्र की पूजा को रुकवा दिया। और भगवान बोल रहे हैं केवल किसकी पूजा करो, केवल गिरिराज जी की पूजा करनी है। तो वहां पे भगवान ने क्या शिक्षा दिया, भगवान ने शिक्षा दिया अनन्य भक्ति होनी चाहिए। अनन्य भक्ति का अर्थ है कि एक को इष्ट मानना चाहिए, एक को। हमने राम जी के इतने सारे मंदिर देखे, राम जी के साथ कौन होते हैं, हनुमान जी होते हैं। क्या कभी देखा कृष्ण के साथ भी हनुमान जी है, कभी विष्णु के साथ हनुमान जी को देखा, कभी नहीं देखा। दुर्गा जी के साथ देखा हो, कहीं नहीं देखा। हनुमान जी कहाँ पे रहते हैं, हमेशा राम जी के चरणों में रहते हैं। जैसे मानो गोविंद देव जी के मंदिर में सुबह एक कीर्तन गाते हैं,
गोविंद तेरे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है, उसमें गोविंद देव जी को बोलते हैं दुनिया ने ठुकराया है बस तू ही सहारा मेरा है। गाते हैं ना रोज गोविंद देव जी, देखा होगा क्या बोलते हैं, दुनिया ने ठुकराया है बस तू ही सहारा मेरा है। उसके बाद जब गोविंद जी की परिक्रमा करना शुरू करते हैं तो पीछे जाके लोग क्या करते हैं, गोविंद देव जी की तरफ पीठ करके उस तरफ सामने गणेश जी का मंदिर है। जब गोविंद जी की परिक्रमा करो पीछे जाली के उधर गणेश जी का मंदिर है, सब लोग गणेश जी को डोक देना शुरू कर देते हैं। भाई अभी क्या कह रहे थे, दुनिया ने ठुकराया है तू ही सहारा मेरा है, अब गणेश जी के पास क्यों चले गए, क्यों, क्योंकि गोविंद जी तो पीछे हो गए। हाँ गणेश जी हम तुम्हारे पे भी डोक दे देते हैं, गोविंद सुने ना सुने भाई तुम तो सुन लेना। इसका मतलब गोविंद जी पे विश्वास हुआ, गोविंद देव जी पे विश्वास हुआ ही नहीं है। तो भगवान ने ये शिक्षा दी, भगवान ने ये शिक्षा दिया कि अगर भक्ति करनी है तो किसकी करो, केवल एक इष्ट की। और गिरिराज जी से भगवान ने बहुत अच्छा शिक्षा दिया कि हमें देवी देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए। इसको थोड़ा अच्छी तरह समझो, इंद्र, ब्रजवासी इंद्र की पूजा कब से कर रहे थे, उनकी परंपरा से पूजा चली आ रही थी, यानी कि ब्रजवासी की जो परंपरा ये पूजा थी उनके दादा परदादा से ये परंपरा चली आ रही थी कि इंद्र की पूजा करते थे। अब जब ब्रजवासियों ने ये फैसला किया हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम किसकी पूजा करेंगे, गिरिराज जी की पूजा करेंगे, तो इंद्र क्या हुआ, उन्हीं ब्रजवासियों को मारने के लिए प्रस्तुत हुआ या नहीं हुआ। तो भाई तुम्हारी इतने साल जो पूजा करी उसको भूल गए। अब मानो कोई व्यक्ति रोज गोविंद देव जी के मंदिर जाता है मंगला में, एक दिन नहीं जाएगा तो क्या गोविंद देव जी सुदर्शन चक्र लेके उसके सामने खड़े हो जाएंगे कि भाई आज मंगला क्यों नहीं आया। तो इसलिए जो देवी देवता होते हैं, देवी देवता बड़े स्वार्थी होते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण इस बात को कहते हैं अल्प मेध साम, जिसकी बुद्धि बहुत अल्प है, जिसकी बुद्धि बहुत छोटी है वो देवी देवताओं का भजन करता है, लेकिन जिसकी बुद्धि विकसित है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो देवी देवताओं का भजन नहीं करेगा, वो गोविंद का भजन करेगा, कृष्ण का भजन करेगा। क्यों, क्योंकि देवी देवताओं स्वार्थी होते हैं। किस कैसे उदाहरण दिया भगवत गीता में, अब्रह्म भूमनाद लोका पुनर्आवर्तिनो अर्जुन माम उपेते तू कौनता है पुनर्जन्म ना विद्यते शीने पुण्य मरते लोकम विशंति। मानो आपने किसी देवी देवता का बहुत भजन किया, मरने के बाद क्या होगा, जो आपके पुण्य है, जो आपके पुण्य है, मानो शनि के पास हर शनिवार को जाते थे बहुत सारा तिल का तेल चढ़ाते थे, अब मरने के बाद जो आपके पुण्य है, जिन जिन देवी देवताओं की आपने उपासना करी है, मरने के बाद ये सारे देवी देवता आपको अपने स्वर्ग लोक में दोनों हाथों से आपका स्वागत करेंगे, आओ आपकी बहुत खातिरदारी करेंगे। लेकिन कब तक करेंगे, जब तक आपके पुण्य आपके बाकी हैं। जैसे ही आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे वो देवी देवता जो दोनों हाथों से स्वागत किया था फिर दोनों लातों से लात भी मारेंगे, चलो भैया भागो यहां से अब तुम्हारा यहाँ पे समय खत्म हो चुका है। तो स्वर्ग में कैसा होता है, स्वर्ग में ये होता है देवी देवताओं का भजन करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन स्वर्ग लोक कब तक मिलेगा, क्षीणे पुण्य, जैसी पुण्य क्षीण हो गए मरते लोकम में शांति, वापस इस धरती पे आना पड़ेगा। तो देवी देवताओं के साथ कभी प्रेम नहीं हो सकता, देवी देवताओं के साथ स्वार्थ वाला संबंध है। जब तक आप उनकी पूजा करोगे तब तक वो आपको पुण्य के अनुसार आपको अपने स्वर्ग में जगह देंगे, जिस दिन आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे वही देवी देवता आपको वहां से लात मार के नीचे फेंक देंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं पूजा करनी है तो किसकी करो, मेरी करो। क्यों, अर्जुन को आगे भगवान कहते हैं माम उपेते तू कौनता है पुनर्जन्म ना विद्यते, जो एक बारी भगवान को प्राप्त कर लेता है उसका फिर पुनर्जन्म होता ही नहीं है। भगवान का धाम कैसा है, यद गत्वा ना निवर्तन्ते, भगवान गीता में कहते हैं कि जो एक बारी मेरे धाम को प्राप्त कर ले उसको दोबारा इस जगत में कभी नहीं आना पड़ता। इसलिए अगर पूजा करनी है तो किसकी करो, गोविंद की करो, गिरिराज की करो। एक शिक्षा और दिया, देखो जो देवी देवता है, जितने भी देवी देवता है, इंद्र को देखते हैं, इंद्र सारे देवी देवताओं के कैसे हो गए, वो राजा हो गए। जब इंद्र का राज्य चला गया था, आप लोगों ने कथा में सुना होगा परसों, जब भगवान का वामन अवतार हुआ था, तो वामन अवतार में भगवान ने क्या किया, राजा बलि से सारा राज्य लेके किसको वापस दे दिया, इंद्र को दे दिया। तो भगवान ने इंद्र का जो खोया हुआ सिंहासन था राजा बलि से लेके वापस दिया, किसने दिया, भगवान ने तो दिया। अब वही भगवान जब कृष्ण के रूप में आए तो उन कृष्ण को क्या कर रहे हैं, ये उनको मारना चाहते हैं, ब्रजवासियों को मारना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि मेरी पूजा बंद करा दी। भाई तेरी पूजा क्यों हो रही है, क्योंकि तू राजा है, देखो राजा किसने बनाया, भगवान ने तो बनाया। उसके बाद इंद्र ने जब देखा कि भाई ये तो कोई साधारण पुरुष नहीं है, तो स्वयं भगवान है, इंद्र ने आके माफी मांगी।
और इंद्र ने जब क्षमा मांगा उसके बाद दोबारा से इंद्र ने फिर क्या किया, जब भगवान द्वारका की लीला में इंद्र के पास गए थे वहां से पारिजात फूल लेने के लिए, तो उसने फिर भगवान से युद्ध करना चाहा कि नहीं नहीं मैं आपको पारिजात फूल कैसे लेने दे सकता हूँ, पारिजात का फूल मैं आपको लेने नहीं दूंगा। तो वहां पे उसने फिर भगवान से युद्ध करने की चेष्टा करी, अरे जिसने तुझे पूरा मालिक बनाया स्वर्ग का, जिसने देखो सब कुछ जीत दिया, अगर वही तेरे स्वर्ग में से भगवान एक पारिजात का पुष्प लेना चाहते हैं तब तुम उनके साथ युद्ध करने को प्रस्तुत हो जाते हो। इसलिए जो देवी देवताओं का भजन करते हैं, भगवान गोविंद गीता में कहते हैं, वो व्यक्ति कैसा है, अल्प बुद्धि वाला है, मंद बुद्धि है, भगवान कह रहे हैं हम नहीं कह रहे। इसलिए भजन करना है तो किसका करो, केवल गोविंद का करो, कृष्ण का करो। और देखो भगवान को संतुष्ट करना कितना आसान है, वहां पे तो देवी देवताओं को इतना देने के बाद भी वो संतुष्ट होते नहीं है, और भगवान कैसे है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति, कि अगर कोई भक्त मुझे प्रेम से पत्ता देता है, पत्ता तुलसी का पत्ता कितने रुपए का आता है, खरीदना पड़ता है, जगह जगह पे है, कल मैंने यहाँ पे देखा इतने सारे तुलसी के पत्ते थे, बहुत सारे तोड़ के मैं अपने पास लेके चला गया, हमें सेवा के लिए चाहिए होते हैं पत्रम। दूसरा भगवान क्या मांग रहे हैं, पुष्पम, पुष्प खरीदना पड़ता है, ज्यादा महंगा पुष्प तो मांग नहीं रहे, कहीं से भी गेंदे का फूल तोड़ लो, बाहर निकलो कितने सारे पेड़ पौधे हैं, कोई भी पुष्प तोड़ के भगवान को दे दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तीसरा भगवान मांग रहे हैं फल, फल में कौन सा, महंगी वाली कीवी नहीं मांग रहे, 2 रुपए का केला दे दो, केला भी नहीं दे सकते तो शबरी ने क्या दिया था, बेर दिए थे भाई, बेर ही दे दो, सस्ता फल दे दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फिर भगवान कह रहे हैं तोयम जल, 4 वस्तु भगवान मांगते हैं। भगवान कह रहे हैं अगर मुझे मेरा भक्त प्रीति से ये 4 वस्तु देता है तो मैं उसको ग्रहण करता हूं। क्या मांग रहे हैं, पत्ता मांग रहे हैं, उसके बाद पुष्प मांग रहे हैं, फूल मांग रहे हैं और जल मांग रहे हैं। क्या ये वस्तु महंगी आती है, इसमें से कोई भी ऐसी वस्तु बताओ जो 5 रुपए से महंगी हो, 5 रुपए के अंदर सब आ जाएगा, 5 रुपए में फल भी आ जाएगा, 5 में फूल भी आ जाएगा, जल भी आ जाएगा और पत्ता भी आ जाएगा, पत्ता और जल तो खरीदना ही नहीं पड़ता, कोई भी दे देता है। तो भगवान कह रहे हैं अगर कोई मुझे प्रीति से देता है उसको मैं ग्रहण करता हूँ, और उसको क्या करता हूँ, उसको ग्रहण करने के बाद अपना भक्त बना लेता हूँ, उसको पकड़ लेता हूँ। सुदामा ने क्या दिया था, चावल ही तो दिए थे। मानो आज आपके घर में आपने आपकी एनिवर्सरी है, आपका कोई रिश्तेदार मिलने के लिए आया, वो आपके लिए एक मुट्ठी चावल लेके आ जाए, आप क्या खुश होगे, बस सच बताओ खुश होगे क्या नहीं। या मानो आपका आज एनिवर्सरी है, 50वीं या 25वीं सालगिरह है, और आपके पति सुबह सुबह आपके पास घर में आधा किलो केले लेके आ गए, ये लो जी हैप्पी एनिवर्सरी, ये आधे किलो केलों से अपनी एनिवर्सरी बना लो, खुश होगे आधा किलो केले लेके, बोलोगे भाई केले अपने सर पे मार, हमें क्या करने तेरे केले, सोना चांदी दो। इस जगत के लोग क्या मांगते हैं, इस जगत के किसी भी व्यक्ति को क्या आप एक फूल देके खुश कर सकते हो, अगर पति पत्नी को सोना चांदी धन देना बंद कर दे, रोज एक गेंदे का फूल दे, वो क्या बोलेगी, खुश होगी, नहीं होगी। इस जगत के लोगों को संतुष्ट करने के लिए सोना देना पड़ता है, धन देना पड़ता है, चांदी देनी पड़ती है, घर गाड़ी देना पड़ता है, लेकिन भगवान ये नहीं मांग रहे, क्या मांग रहे हैं, पत्ता पुष्प फूल या फिर जल मांग रहे हैं। तो भगवान गोविंद कैसे हैं, इतने करुणामय हैं, इतने करुणामय, अगर कोई उनको एक तुलसी का पत्ता भी देता है उसको भी जीवन भर याद रखते हैं। ये जगत कैसा है, इस जगत को आप सब कुछ दे दो, आखिरी में क्या बोलेगा, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। लेकिन भगवान कैसे हैं, भगवान के लिए अल्प सेवा बहु करिमानी, भगवान को छोटी सी छोटी वस्तु भी दो उसको बहुत बड़ा मान लेते हैं। सुदामा ने तो चावल ही दिए, भगवान ने उसको इतना बड़ा मान लिया कि अरे तूने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया है, और उसकी 2 मुट्ठी चावल से इतने संतुष्ट हो गए। तो इसलिए बताया कि अगर भक्ति करनी है, गिरिराज जी ने हमें शिक्षा दिया, केवल किसकी करो, भगवान गोविंद की करो, कृष्ण की करो। फिर आगे क्या कहते हैं भगवान, आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है उसको किसी भी देवी देवता का ऋण नहीं देना पड़ता, उसको अपने माता का, अपने पिता का, अपने पितरों का, ऋषि का, राजा का, वो सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। भगवान ने गीता में बोला सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रज अहम तमाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचा, कि अर्जुन तुम सारे धर्मों को छोड़ दो, किसी देवी देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें सारे ऋण से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर कोई ऋण ही नहीं रहेगा। कैसे, देखो इसको समझो, हम लोग सुबह सूर्य की किरणें लेते हैं, सूर्य के ऋणी हो गए, चंद्रमा, चंद्रमा के ऋणी हो गए,
धरती पे चलते हैं, धरती के ऋणी हो गए। गाय का दूध पीते हैं, गाय के ऋणी हो गए। माता पिता के ऋणी है, पितरों के ऋणी है। लेकिन ये सारा जगत किसका ऋणी है? सारा जगत गोविंद का ऋणी है, कृष्ण के ऋणी है। क्यों? क्योंकि जितना भी जगत का स्रोत है, जो जगत के मालिक है, वो कृष्ण है। यह चक्षुरे सविता सकल ग्रहणम, जितने भी ये ग्रह आप देख रहे हो घूम रहे हैं, ये भगवान कृष्ण की शक्ति से घूमते हैं। जितने भी देवी देवता है, धरती है, इन सबको शक्ति कौन देता है? कृष्ण देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की अनन्य शरण ग्रहण कर लेता है, तो भगवान उसके सारे ऋण क्या करते हैं? मुक्त कर देते हैं। फिर वो किसी का भी ऋणी नहीं रह जाता। इसलिए भगवान ने शिक्षा दी गिरिराज गोवर्धन से, अगर पूजा करनी है तो केवल किसकी करो? कृष्ण की करो और गिरिराज गोवर्धन की करो। अनन्य भक्ति होनी चाहिए। जैसे एक स्त्री पुरुष को बोलती है, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आपके बिना मैं जी नहीं सकती, आपके बिना मेरे जगत में कोई नहीं है। दूसरे दिन किसी और पुरुष के पास जाती है, उसको भी बोलती है, मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ, इतना उतना तो मैं किसी से नहीं करती। फिर तीसरे दिन किसी और को बोलती है। हमारा भी तो यही है। गोविंद जी के मंदिर में जाके बोलते हैं, गोविंद तू ही मेरा है। हनुमान जी के पास जाके बोलते हैं, हनुमान जी आप ही हमारे हो, आपके अलावा हमारा कोई है ही नहीं। जब दुर्गा का सप्तमी आती है तो दुर्गा के व्रत रख के बोलते हैं, माँ दुर्गे क्या है, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा पूरी बांटूंगी। तो हम बोलते हैं, दुर्गा हम तेरे भक्त हैं। तो हम किसी के भी भक्त नहीं है, क्योंकि जो प्रेम होता है वो एक से होता है। पत्नी अपना जो प्रेम है वो केवल अपने पति से करती है। अगर वो सबको अपना हृदय देने लग जाए तो वो प्रेम नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं उनका देखना अनन्य भक्ति होती है। मीराबाई किसकी भक्ति, क्या वो उसका कीर्तन क्या है, मेरे तो गिरिधर नागर दूसरा ना कोई। हम क्या बोलते हैं, मेरे तो गिरिधर नागर, मेरे तो गणेश जी भी, मेरे तो दुर्गा जी भी, मेरे तो हनुमान जी भी, मेरे तो साईं बाबा भी, इसलिए हमारा कोई भी होता नहीं है। इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति, मेरे तो गिरिधर नागर दूसरा ना कोई, मेरा और कोई है ही नहीं। तो जब तक हम लोग भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है, तब तक हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए भागवत से कि हम अपने घर में आराधना करेंगे केवल गोविंद की करेंगे, और किसी की आराधना करेंगे नहीं। अभी भगवान की आराधना कैसे होती है कलयुग में? कलयुग में भगवान की आराधना का एक ही प्रोसेस है, वो है भगवान का नाम। भगवान के नाम को छोड़ के और कोई उपाय नहीं है। हमारे नवकिशोर प्रभु बताएंगे कि कैसे हमें भगवान का नाम लेना है और कैसे भगवान के नाम से ही हम गोविंद को प्राप्त कर सकते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बस वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि। गुरुवे गौरचंद्राय राधिका स्तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के शिक्षण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद महाराज जी और यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों को मेरा यथोज्ञा दंड प्रणाम। तो अभी हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी ने बहुत सुंदर रूप से बताया कि हमें एकमात्र किसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो और शरण ग्रहण करने के पश्चात उनको प्राप्त करने का उपाय क्या है? तो अगर आप देखेंगे जितने भी शास्त्र हैं, महाभारत रामायण हमारे वेद हमारे पुराण जितने भी शास्त्र हैं, सबके सब शास्त्र केवल एक ही बात बोलते हैं कि यदि कलयुग में भगवान को प्राप्त करना है तो एकमात्र उपाय क्या है? हरि नाम, हरि का नाम, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कह दिया कि
कलयुग में यदि भगवान को प्राप्त करना है तो हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है। अभी कोई कहे कि भाई तीन बार बोलने की आवश्यकता क्या थी, एक बार बोल दिया, एक बार बोलने से भी तो समझते हैं कि कलयुग में एकमात्र हरि का नाम ही उपाय है। तो शास्त्र बोलते हैं कि जो कलयुग के जीव हैं वो कैसे हैं, उनकी बुद्धि बहुत अधिक अल्प है। कलयुग के जीव हैं, बुद्धि बहुत अल्प है, एक बार बोलने पर समझते नहीं। इसलिए शास्त्र ने क्या बोल दिया, तीन बार बोल दिया। किस लिए? उसको दृढ़ करने के लिए कि एकमात्र उपाय क्या है, हरि का नाम। और यदि इतना बोलने पर भी कोई समझता नहीं कि हरि नाम के अतिरिक्त हम कोई और दूसरे उपाय का अवलंबन करके इस संसार को पार कर लेंगे, तो शास्त्र बोलता है उसकी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। यदि हरि नाम को छोड़ करके किसी और उपाय के द्वारा आप सोचो कि आप इस भवसागर को प्राप्त कर लोगे तो वो कोई उपाय नहीं है, आप भवसागर को पार नहीं कर सकते। बहुत लोग बोलते हैं ना, कोई बात नहीं, ज्ञान का अवलंबन कर लो, नहीं इस मार्ग का अवलंबन कर लो, इस प्रकार से कर लो, सारे रास्ते तो एक ओर जाते हैं, भगवान की ओर जाते हैं। किंतु शास्त्र इस बात को नहीं बोलता, एकमात्र हरि नाम का ही हमें पालन करना पड़ेगा। फिर हमारे गुरु जी एक बात बोलते थे कि जो हरि नाम की महिमा है ना, जो भगवान के नाम की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा को समझना इतना सहज नहीं है। हम लोगों ने बहुत बार सुना है, ऐसा नहीं कि आज पहली बार महाराज जी यहाँ पे भागवत कर रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि आप लोग पहली बार कथा सुन रहे हो। कितनी बार हमने कथा सुनी है, कितनी बार कथा सुन चुके हैं। पर यदि अगर पूछें कि आप में से कितने लोग हरि नाम करते हैं, कितने लोग हरि नाम करते हैं, बहुत लोग करते हैं। और बाकी लोग जो नहीं करते, उन्होंने कभी कथा सुनी नहीं, कथा तो उन्होंने भी सुनी है, किंतु हम लोगों को हरि नाम के ऊपर विश्वास होता नहीं। और कई बार तो जो लोग हरि नाम करते हैं, हरि नाम करने पर तब भी विश्वास होता नहीं कि हरि नाम कितनी श्रेष्ठ वस्तु है। वही महाराज जी ने बताया ना, जब गुरु हरि नाम देते हैं तो साक्षात कृष्ण को देते हैं, साक्षात कृष्ण को देते हैं, साक्षात कृष्ण आपके पास में है। जब साक्षात कृष्ण आपके पास में है तो आप किस प्रकार उसकी सेवा करोगे, कभी उसको भूखा रखोगे, भूखा रखोगे? साक्षात भगवान आपके समक्ष हैं, आपके पास में हैं, तो भूखा रखोगे, उसके अतिरिक्त किसी और मार्ग का अवलंबन करोगे, नहीं करोगे। इसलिए महाराज जी भी कहते हैं, हमारे गुरुवर भी कहते हैं कि प्रातः काल में, दोपहर में, संध्या के समय, सब समय हरि नाम करना चाहिए। जैसे हम लोगों को प्रातः काल भूख लगती है, ब्रेकफास्ट करते हैं ना, दोपहर को भी लंच करते हैं, संध्या के समय डिनर करते ही हैं, तो भगवान का जो हरि नाम है, जो भगवान साक्षात गुरुदेव ने दिए हैं, तो क्या उनको भूखा रखेंगे? इसलिए प्रातः काल भी, दोपहर को भी, संध्या, हर समय क्या करना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए। किंतु हरि नाम की जो महिमा है वो एकमात्र जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में आते हैं, भगवान के भक्तों के संग में आते हैं, तब हमें उसके वास्तविक मूल्य का पता चलता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक जंगल से जा रहा है, जब वो मार्ग से जा रहा होता है तो उसको कुछ लोहे के टुकड़े मिलते हैं, बहुत गरीब व्यक्ति है, उसको खाने को भी मिलता नहीं कुछ। जब उसने लोहे के टुकड़ों को देखा तो उसने उनको उठा लिया, क्यों? कि इनको बेच करके क्या करेगा वो, इनको बेच करके जो पैसा मिलेगा उससे अपनी जीविका का निर्वाह करेगा। तो जब वो मार्ग में जंगल से आगे जा रहा था, थोड़ा आगे जाने पर क्या देखता है कि आगे अब क्या है, थोड़े पीतल के पीस पड़े हैं। तो उसने अपने पूरा का पूरा जो झोला था, अपने सारे जो लोहे के टुकड़े उठाए थे, क्या किया, फेंक दिया और पीतल के टुकड़े उठा लिए। आप लोग बताइए क्यों उठाए? उसने लोहा फेंक दिया, पीतल क्यों उठा लिया? क्योंकि पीतल का भार भी हल्का होता है, पीतल की कीमत भी अधिक है, पीतल की कीमत लोहे से बहुत अधिक है। जब मार्ग में और आगे जा रहा है, आगे जाने पर देखा कि चांदी के सिक्के पड़े हैं, उसने सारे के सारे पीतल के क्या किए, टुकड़े फेंक दिए और चांदी के टुकड़े उठा दिए। क्यों? उसको पता है कि चांदी की कीमत बहुत अधिक है। किसी को बताना पड़ा? किसी ने उसको बताया कि भाई पीतल के टुकड़े फेंक दे, चांदी के टुकड़े उठा दे? ऐसा क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसको चांदी की कीमत पता है कि चांदी बहुत बहुमूल्य वस्तु है, इसका जो मूल्य है वो पीतल से अधिक है। ऐसे करते करते सोना मिला, जब उसने सोना सारा का सारा भर लिया, जब आगे मार्ग में जा रहा है तो देखता है बहुत सारी मणियां पड़ी है, बहुत सारी चमकीली मणियां हैं। किंतु अब वो थोड़ा भ्रमित हो गया, क्यों? क्योंकि सोने की कीमत उसको पता है, सोने की उसको पहचान भी पता है कि असली सोना क्या होता है और नकली सोना क्या होता है, किंतु उसको मणियों की
पहचान नहीं है। वह सोचता है यदि मैं मणि उठा लूं और सोना सारा का सारा फेंक दूं और बाद में यदि मणि नकली निकल गई तो सारा परिश्रम क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। तो वहां पे हमारे गुरुवर कहते हैं, वहां पे किसकी आवश्यकता होती है, वहां पे एक साधु की आवश्यकता होती है, एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो वास्तव रूप में उन मणियों की जो वास्तविक मूल्य है उसको भली भांति जानता है। तो जो भगवान के जो भक्त हैं, जो गुरु परंपरा में आ रहे हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो क्या है, वो उस मणि के मूल्य को जानते हैं। जब वो आपको उस मणि का मूल्य बतलाते हैं कि वास्तव में उस मणि का क्या मूल्य है, तो क्या बोलना पड़ेगा, अब सोना फेंक दो और मणि को उठा लो, अब बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वाभाविक रूप से क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, उस मणि के टुकड़ों को उठा लेगा, सोने को अपने आप फेंक लेगा। गीता में भगवान कहते हैं जब उच्च रस की प्राप्ति होती है तो निम्न रस अपने आप से छूट जाता है। जब कोई श्रेष्ठ वस्तु मिलती है तो जो उससे निम्न वस्तु है उसको छोड़ने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता। एक व्यक्ति है, उसको मीठा बहुत पसंद है, बहुत अधिक रसगुल्ले खाता है, बहुत पसंद है, रसगुल्ले के बिना रह नहीं पाता, किंतु उसने कभी भी रसमलाई का आस्वादन किया नहीं, उसने कभी भी रसमलाई नहीं खाई। अब जब वो रसमलाई उसने पहली बार खाई तो उसको बोलना पड़ेगा कि रसमलाई का जो स्वाद है वो इससे अच्छा है, खाने से पता लग गया ना। जब उसने रसमलाई खाई तो उसका जो रसगुल्ला खाना है क्या हो गया, अपने आप छूट गया। इसी प्रकार से जब हम लोग अच्छी वस्तु को ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, निम्न वस्तु छूट जाती है। इसलिए शास्त्र बार बार क्या कहते हैं, ये नाम कैसी वस्तु है, नाम कोई साधारण इस जगत की वस्तु नहीं है, वो उस जगत की वस्तु है। नाम क्या है, चिंतामणि। इस संसार की जितनी भी मणियां हैं, इस संसार में जितना भी धन दौलत है, जितनी संपत्ति है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जितना सब कुछ है, वो नाम के समान नहीं है। तो नाम क्या है, नाम चिंतामणि। जो मणि है, जैसे स्पर्श मणि होती है, वो क्या करती है, यदि आप उसको किसी लोहे से स्पर्श कर दो तो क्या करेगी, उसको सोना बना देगी। किंतु चिंतामणि कैसी है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वात् नाम नामिनो। ये नाम क्या है, नाम चिंतामणि है। नाम के सामने आप जो चिंता करोगे वो क्या करेगी, आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देगी। इस जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, इस जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपकी समस्त इच्छाओं को पूरी कर सकती, एकमात्र क्या है, भगवान का नाम। इसलिए कहा नाम चिंतामणि कृष्ण, जो कृष्ण का नाम क्या है, चिंतामणि है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, और यह कोई जड़ वस्तु नहीं है, ये चैतन्य है। नाम का भी अपना एक स्वरूप है, नाम का मुख है, नाम की नासिका है, नाम का पूरा एक विग्रह है, नाम कोई साधारण वस्तु नहीं है। किंतु अभी भी जो हम लोग हरि नाम करते हैं तो क्या हमें नाम की इतनी महिमा का पता है, क्या हम लोग वास्तव रूप में नाम को इस रूप में अनुभव करते हैं, अभी हमारा होता नहीं, अभी हमें नाम की महिमा का पता नहीं। एक बार हमारे गुरुजी के पास में एक महिला आई दिल्ली की, उनके घर में कोई बहुत बड़ी समस्या चल रही थी, कोई बहुत बड़ी विपदा थी। तो उन्होंने गुरुजी को कहा कि हमारे घर में ऐसी ऐसी कोई समस्या है, इसका मैं क्या उपाय करूं। तो गुरुजी ने कहा हरि नाम करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, हरि नाम करो। तो गुरुजी को कहती, महाराज जी वो सब तो ठीक है, हरि नाम तो ठीक है, कोई दूसरा उपाय बतलाओ। तो गुरुजी ने कहा दूसरा उपाय तो आप ही बतला दो, आपको किस प्रकार का उपाय चाहिए। तो कहती कोई परिक्रमा करनी हो, नहीं तो कोई व्रत करने हो, किसी को दान देना हो, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे लगे मैंने कुछ किया है। हम लोग सोचते हैं मंत्र में कर रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इससे क्या होता है, किंतु वास्तव में ही सब कुछ है। शास्त्र क्या बोलता है, शास्त्र बोलता है गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगो दख कल्पवासो यज्ञायुतम मेरु स्वर्ण दानम गोविंद कीर्तेर न समम शतांशे। कहते हैं कि जब सूर्य ग्रहण आता है, विशेष रूप से हमारे भारत में सूर्य ग्रहण का बहुत अधिक महत्व है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो लोग क्या करते हैं, लोग दान करने के लिए जाते हैं, प्रयाग में जाते हैं, हरिद्वार में जाते हैं। शास्त्र क्या बोलता है, गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य, जब सूर्य ग्रहण का समय आता है और यदि उस समय पर कोई क्या करता है, कोटि कोटि गायों का दान करता है, गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य। फिर कहते हैं प्रयाग गंगो दत्त कल्पवास, प्रयाग जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है, कोई वहां पर एक कल्प तक वास करता है। एक कल्प कितना बड़ा है, एक कल्प अर्थात ब्रह्मा की आयु का एक दिन, यदि हम कैलकुलेशन करने जाए तो हमारी बुद्धि से परे हैं। कोई इतने लंबे समय तक कोई प्रयाग में वास करता है,
फिर कहते हैं यज्ञायुतम मेरु स्वर्ण दानम, कोई लाखों लाखों अश्वमेध यज्ञ करता है और मेरु पर्वत जो सुमेरु पर्वत है बहुत विशाल पर्वत है, उस विशाल पर्वत का बहुत बड़ा कूट बना करके, किसका, सोने का, सोने का बहुत बड़ा विशाल कूट बनाकर क्या करता है, उसका दान करता है। शास्त्र क्या बोलता है, गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगो दक कल्पवासा। ये जो चारों चीजें कर दी आपने, क्या किया, ग्रहण के समय में लाखों लाखों गाय दान कर दी। अभी कोई कर सकता है दान, अगर कोई बोले कोई दान कर सकता है, लाखों लाखों गैयाएं, शास्त्र बोलता है कर दिया, लाखों लाखों गैयाएं दान कर दी, वो भी कब, ग्रहण के समय में, और क्या कर दिया, प्रयाग में जाकर के एक कल्प तक वास कर दिया, उसके पश्चात हजारों हजारों लाखों लाखों अश्वमेध यज्ञ कर दिए। इस समय तो एक यज्ञ करना भी बहुत मुश्किल है, किंतु हजारों हजारों लाखों अश्वमेध यज्ञ, और कह दिया कि मेरु सुमेरु पर्वत के समान क्या कर दिया, बहुत बड़ा सोने का कूट बना के, विशाल पर्वत बना के दान कर दिया। कहते हैं गोविंद कीर्तेर न समम शतांशे, भगवान का एक बार नाम लिया गोविंद, गोविंद नाम के एक वटा हंड्रेड एक सौवे हिस्से के समान भी नहीं है, तो क्या हमें विश्वास होता है, हमें भी विश्वास होता नहीं, इसको समझना बहुत मुश्किल। किंतु ये बात हमें कौन बतलाते हैं, ये बात हमें शास्त्र बतलाते हैं, ये बात हमें गुरु बतलाते हैं, साधु हमें आके बतलाते हैं कि नाम के ऊपर विश्वास करो। नाम क्या है, नाम सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, ये आपको सब कुछ दे सकती है, इस जगत की ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको नाम ना दे सके। और ये नाम क्या करेगी, सब अगर हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कोई बोल नहीं रहे, देखो इतने महाराज की कथा सुनाई, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके जितने, जैसे जैसे त्रिपल उड़ जाए, हाँ। और एक बार देखो, जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, ये शब्द ब्रह्म है, ये शब्द सामान्य नहीं, इसका ध्वनि जितने दूर तक गूंजेगी, इसका शब्द जितने दूर तक जाएगी, जितने सारे पाप दुख कष्ट क्लेश ये सबके सब हरण हो जाएगी। इसलिए हम बारंबार आपसे बोलते हैं सबके सब जोर जोर से ठाकुर जी का नाम लो। इस बार लास्ट एक बार जोर से हाथ उठा करके जितने ताकत ला करके बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोला हरि नाम संकीर्तन की जय। हाँ देखो अभी हम गिरिराज की कथा सुनेंगे, हाँ, लेकिन उसको पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ, ठीक है। अब ये स्टोरी को मैं पिछली बार बताया था, आपको याद है कि नहीं, ये स्टोरी बताने के बाद फिर मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ मैंने क्या स्टोरी बताया, और जो बोल देगा ना उसको मैं इनाम दूंगा, और जो नहीं बोल पाएगा बीच में फिर खड़े कर दूंगा उसको। इसलिए ऐसे सुनना जैसे ये स्टोरी को आप याद कर लेना, ठीक है। ये स्टोरी इतनी अच्छी है, अगर किसी को ये कथा सुनाओगे ना उनका जीवन भी प्रभु का भक्तिमय हो जाएगा, इतने बढ़िया कथा है, ठीक है, ध्यान देकर सुनना। बोले कोई एक राजा था, कहते राजा के चार रानियां थी, कितना थी, चारों में जो सबसे बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसकी मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश रखता था। राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी, ये चारों रानियों में सबसे सुंदर थी। राजा जब नगर घूमने जाता था, इसको बढ़िया से कपड़े लते पहना करके सदा धंगा करके अपना पास में बैठा लेता था और दुनिया को दिखाया करता था, देखो ये रानी मेरी कितने सुंदर है। राजा की जो तीसरी नंबर रानी थी, वो बड़ी बात को मीठी मीठी बना बना करके बोलती थी। इसलिए राजा जब अपना महल में आता था, वो तीसरी रानी को पास में बैठ करके वो जो मीठी मीठी बोली बोलती थी उसको सुन सुन कर खुश होता था। लेकिन मन की बात और किसी को नहीं, वो तीसरी नंबर रानी को बोलता था। राजा की जो चौथी नंबर की रानी थी, हे तो बड़ी प्यारी बड़ी सुंदरी, लेकिन इसको दुर्भाग्य है, जब से राजा उसको घर में शादी करके लाए तब से उसको साथ में उसने कोई मतलब नहीं रखा, कभी पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, कभी पूछा नहीं, वो बेचारी बड़ी दुखी होकर रहती थी। अभी राजा की समय आ गया अंतिम समय मरने का, राजा सोचा मेरे चार चार रानियां इनसे प्रश्न करके देखता हूँ कौन कहाँ तक मेरी साथ देती है। सबसे बड़ी रानी की नंबर आई, बताओ तो सबसे बड़ी रानी कौन थी, आप इतना जल्दी भूल गए फिर याद कैसे रखोगे,
बोलो कौन सबसे बड़ी रानी कौन थी? अरे जोर से बोलो ना, इतना जल्दी भूल गए हो? राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसकी मन पसंद चीज दे देकर उसको खुश रखता था, ये सबसे बड़ी रानी थी। उससे पूछा, रानी तू मेरे साथ में चलोगी? बोले चलूंगी क्या, तेरे साथ में एक कदम भी मैं चलने वाले नहीं। बोले क्यों? तेरे लिए जो मैं इतना की, बोले तेरी कर्तव्य थी। बोले तुम्हारी? बोले मेरे कोई कर्तव्य तेरी प्रति नहीं। राजा को तो बड़ा दुख मिला, जिसको मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता था वही तो पहले धोखे दे दी। अभी दूसरी नंबर रानी से पूछिए, दूसरी नंबर कौन थी? सबसे जो सुंदर थी। राजा जिसको सुंदर कपड़ा गहना पहना करके दुनिया को दिखाया करता था, बोले रानी तू चलोगी? बोले मैं चलूंगी क्या, मैं देख रहा हूं तू कब मरोगी, मैं तो दूसरे से शादी करूंगी। बोले दूसरे से शादी क्यों करोगे? बोले देख मैं कितने सुंदरी। बोले है तो बड़ी बड़ी प्यारी। बोले मैं जिसको पास में जाऊंगी मैं वो उम्र को पसंद कर लेगा, मैं तो दूसरे में शादी करूंगी। राजा को तो और कष्ट मिला, उन्होंने तीसरी नंबर से पूछा, तीसरी नंबर कौन थी? जिसका मीठा मीठा कथा सुनता था और मन की बात जिसको बोलता था। बोले तू साथ में चलोगी? ये थोड़ी अच्छी निकली। बोले हाँ साथ में चलूंगी, लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। बोले इसका आगे? बोले इसको आगे नहीं चल सकती हो। बोले भैया दरवाजा तक चलना थोड़ी चलना है। बोले जो कुछ बोलो मैं तो वहीं तक जा सकती हूँ। बोले भैया तू भी किसी काम की नहीं। अभी चौथी नंबर, चौथी नंबर कौन थी? जिसको कभी देखा नहीं। राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर रखा, बेकार, ये किसी काम की नहीं, कभी पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं। जब उन्होंने चौथी रानी से पूछा तो साथ में चलोगी, लेकिन वही जाने के लिए तैयारी होती है। बोले राजा तेरे को मैं दिल से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन दुख की बात यह है तुमने एक बार मेरे को झांक करके देखा भी नहीं, कभी तुमने ये भी नहीं पूछा तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं। भले तू जो कुछ जीवन में किया किया मेरे प्रति, लेकिन मैं तेरे को दिल से प्रेम करती हूँ, तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुखी में सुखी और दुखी में दुखी रहूंगी, अगर समय पड़े ना जान दे करके तेरे प्राण को रक्षा करूंगी। राजा को तो बड़ा आश्चर्य मिला, जिनके लिए मैंने जिंदगी दे दिया वो कोई जाने के लिए तैयारी नहीं, और जिसके लिए कुछ नहीं किया वही जाने के लिए तैयारी। हाँ देखो ये कथा की रहस्य को समझो, और इसकी जो रहस्य को अपना जीवन में उतारने के लिए कोशिश करो। देखो अगर आज इतनी सी बात अगर आप समझ गए, समझना ही जो 7 दिन तक कथा सुने ना, समझो तुम्हारी कथा सुनना धन्य हो गया, तुम्हारी कथा सुनना सार्थकता हो गया। अगर इतनी सी बात अगर समझ गई, अच्छे तरह से दिमाग में बैठा, सबसे बड़ी रानी मतलब है अभी जिसको हम सबसे जीवन में ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, वो जिस चीज की मांग करती है, हमको जो कुछ क्यों करना नहीं पड़े उसको ला करके उसकी मनपसंद चीज को दे रहे हैं, लेकिन हमारी जब अंतिम समय आएगी वो सबसे ज्यादा धोखे वही देगी, सबसे ज्यादा धोखे वही देगी। आप बता सकते हो जगत में हम सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं? ये प्रश्न आपसे कौन बोलेगा? हाथ उठा, हाथ उठा। आप लोग किसको प्रेम करते हैं? आपको पता नहीं किसको प्रेम करते हैं ज्यादा? आपको पता है कि नहीं किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हो? बोलो कौन भाई लोग, बोलो पीछे जो बैठे हैं, हम जीवन में अभी किसको सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं और लास्ट में हमें सबसे ज्यादा धोखे वही देगी, कौन देगा? बोलो आप लोग, बोलो ये तो बताए, आप लोग बताओ किसको करते हो और किसको करते हो? पीछे वाले तो कोई बोल नहीं रहे, चुपचाप बैठे। हाँ देखो, हाँ ध्यान देकर सुनो, कहते ये जगत में प्रेम नाम का कोई चीज है ही नहीं, ये जगत में स्वार्थ है। हमें जो प्रेम दिख रहा है ना, चूंकि अभी आपसे कुछ मिल रहा है इसलिए ये ऊपर से प्रेम दिख रहा है, लेकिन आप प्रेम देना उसको खत्म बंद कर दो, देखना इसी जीवन में जिंदगी भर किसके लिए करो, थोड़ी सी कोई भूल चुकी हो जाएगी ना, वो झट बोली तू मेरे लिए क्या किया हो, एकदम झट उतर आता है, वो सोचना नहीं भैया हमारी जिंदगी भर के लिए उसने ये किया है। अभी प्रश्न है फिर जगत में हम सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं? कहते अपनी आप को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अपना शरीर को सबसे ज्यादा हम प्रेम करते हैं। देखना है शरीर जिस चीज की मांग करती है, कहते ब्यूटी पार्लर में चलोगे? बोले चलो तेरे को सजा करके लाएंगे। बोले गोलगप्पे खाओगे? चलो खिलाएंगे हमको जगह पर बढ़िया। बोले जिम जाओगे? बोले जिम चला, जिम ले चलेंगे। बोले चवन प्राश खाओगे? बोले चलो खिलाएंगे।
बोले ऐसे कपड़ा पहना होगा, बोले चलो दुकान से ऐसे साड़ी और ऐसे लहंगा चुनरी ले आएंगे। देखना ये शरीर हमें जिस समय जिस चीज की मांग करते हैं उसी समय में हमको उसी चीज को देकर उसको खुश रखते हैं। अंतिम समय आया, शरीर से पूछा साथ में चलोगी, बोले जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। ये शरीर से जब परमात्मा चली जाए, जिस शरीर को हमने कितना इसके लिए हमने क्या क्या नहीं किया शरीर को, ये शरीर यही के यही पड़ी रह जाती है। सबसे ज्यादा ये हमें धोखे दे दे। दूसरी नंबर आई जो सबसे सुंदर थी, जिसको राजा दुनिया को दिखाया करता था, लेकिन जब उसको पूछा साथ में चलोगी, वो क्या कहती है, चलूंगी क्या, मैं देख रहा हूं तो कब मरोगी, मैं दूसरे से शादी करूंगी। कहती सबसे सुंदरी कौन है, कितना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये पैसा सबसे सुंदर, क्योंकि ये पैसा के बगैर कुछ नहीं होता है, हैं? आपको पता होगा कितने कष्ट करते हैं पैसा कमाने के लिए, कितने कष्ट करते हैं। बढ़िया पैसा रहेगा, बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया खाना खाएंगे, बढ़िया दुकान मकान बनाएंगे। ये पैसा से पूछे भैया साथ में चलोगी, बोले भैया मैं चलूंगी क्या, मैं तो देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं तो दूसरे से शादी करने के लिए बैठा हूँ। मतलब क्या है, ये शरीर छूटते ही बच्चों का नजर कहाँ रहती है, पिताजी का कितने प्रॉपर्टी, कितने दुकान, कितने मकान, कौन सा बैंक में एटीएम में कार्ड में कितने पैसा, बच्चों को ध्यान वही रहती है। और शरीर छूटते ही क्या होता है, ये पैसा दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो जाती है। कहते भैया मैं तो दूसरों को शादी कर लूंगी, अभी जिसको पास में जाएगा वही भोग करेगा। कहते भैया मैं तो दूसरों को साथ में शादी कर लूंगी, तेरे साथ में नहीं जाऊंगी। अभी तीसरी पत्नी आई, तीसरी पत्नी कौन थी, राजा जिसका मीठा मीठा कथा सुनता था, बात सुनता था, बोले ये कौन है, बोले ये हमारे परिवार वाले जिनको साथ में बैठ करके घर गृहस्थ की हम बात करते, दिल की बात करते हैं। पहला नंबर पत्नी सी की आई, पत्नी से पूछे भैया साथ में चलोगी, बोले चलूंगी क्या, मैं चलूंगी लेकिन दरवाजा तरह चलूंगी, बोले आगे, बोले ज्यादा बोलोगे ना, चार कदम तो आगे बढ़ सकती हूँ, उसको आगे और नहीं चल सकती हूँ। परिवार वालों से पूछे चलोगे, बोले क्यों नहीं, बढ़िया तेरे लिए रथ सजाएंगे, अर्थी सजाएंगे और कंधे पर रख करके राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे। बोले कहाँ तक ले जाए, बोले संसार तक ले जाएंगे। बोले फिर, बोले चिता में लेटा करके जला करके टाटा करते करते वहीं से वापस आ जाएंगे। बोले आगे, बोले आगे और नहीं चल सकते। हाँ देखो अभी ध्यान देकर सुनो, जो चौथी रानी, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा निगलेक्ट किया, कभी उसको पूछा ही नहीं, तेरे पास में साड़ी साबुन है नहीं, लेकिन लास्ट जब उसको पूछा है ना, वही केवल साथ जाने के लिए तैयारी हुई। कहती ये चौधरी रानी कौन है जिसको जीवन में सबसे ज्यादा निगलेक्ट करके रखे, बोले भगवान की भक्ति और भगवान का नाम, भगवान की भक्ति और भगवान के नाम। अगर किसको बोले ना भैया एक माला जप कर, बोले काम धाम नहीं, जिनका कोई काम धाम नहीं ना, वही बैठ करके हरे कृष्ण करते रहते हैं। हमारा बहुत सारे काम है, टीवी देखना, घूमना है और पार्टी में जाना, हमारा तो बहुत सारे काम है, लेकिन बोलो भगवान की थोड़ा माला जप कर, भजन करो, बोले सो बेकार काम है, जिसका काम धाम नहीं वही करते हैं। लेकिन भैया जिंदगी में जो कुछ कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आएगी, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, अब सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, बोलो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा, यही बोलते हैं ना। बोले बेटा जितने राम का नाम, जितने तुम हरि का नाम लिया, तेरे साथ में वही जा रहा है। और तुमने जिंदगी में जो कुछ किया, तुमने झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी यहाँ तुम्हारे साथ में नहीं जा रही है, सब यही तुम छोड़ करके जा रहे हो। इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल का दी मेरे सदा गुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
ये भजन तो आप जानते हो, ये विराज की भजन है। कद भैया जीवन में तुम्हें प्यार मिला है, बोले राम रतन धन पायो, जितने भगवान की नाम धन को लुटाए वही हमें जगत में मिला। लेकिन जगत में वो माग वाला नहीं, जगत में सब ही खुवायो, जगत में हम सब कुछ खुवाया। इसलिए आप लोग अभी बताओ, आप लोग कौन सा रानी को आदर करोगे? चार रानियों में सबसे ज्यादा प्रेम किसको करोगे बताओ? बोलो कौन बोलेगा? सबसे ज्यादा प्रेम किस कौन से नंबर रानी को करोगे? जोर से बोलो। हाँ बस, आप लोग बड़े पंडित आदमी हो, बड़े समझदार आदमी हो, ठीक है ना। इसलिए सवेरे उठ करके क्या करनी चाहिए? सवेरे उठ करके कहते 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 1000 काम छोड़कर काम करो, करोड़ों काम को पीछे रख करके भजन करो। इसलिए अब अपना पिता माता को देखे होंगे, पहले क्या करते थे? सवेरे उठ करके नहा धो करके पहले गोपाल जी को स्नान करा करते थे, ठाकुर जी का आरती उतारते थे, गीता भागवत पढ़ते थे, भगवान की माला जप, यही से करते थे ना। पहले तुलसी में पानी देते थे, यही करते थे ना। लेकिन अभी हम सवेरे उठते ही क्या करते हैं? पहले टीवी खोल कर बैठ जाएंगे, स्मार्टफोन को ले लेंगे, हैं? नहीं तो चाय पीना शुरू कर देंगे। नहीं, सबसे पहले उठ करके भगवान की माला जप करो, भगवान की भजन करो, क्योंकि यही धन ही अंतिम समय में हमारी काम में आने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए अभी हम एक माला जप करेंगे। हाँ देखो, जिनकी इच्छा होगी, हम माला जप करना चाहते हैं, हाँ माला जप करना चाहते हैं, हम इनके घर में रुके, सामने से दीदी के घर में, अनिल प्रभु जी के घर में रुके, अगर 7-8 बजे अगर अब आओगे, कुछ बात बता करके अब हम हरिनाम की माला देंगे, वो माला लेकर के अब भी करना, अपना बच्चों को भी हरिनाम करवाना। बोले बच्चों एक एक माला तुम जप करो, खुद भी करो, बच्चों को भी माला जप करना, ठीक है ना। मैंने पहले बताया था, अगर बेटा भजन करता है, हमारी 21 पीढ़ी उधार हो जाएगी। अगर बच्चा हमारी गलत रास्ता पर चला गया, उल्टा पुल्टा रास्ता में चले गया, उसको पाप भी कहते, उसको पाप भी हमें भोगना पड़ेगा। मैंने पहले बताया था ना, एक जोगी ने स्वर्ग में गया, देखा एक व्यक्ति सोने के सिंहासन में बैठा हुआ, लेकिन बैठे बैठे करके रो रहा था, नारायण एक मिनट रुक जा। इसलिए वो बैठे बैठे करके रो रहा था, तब जोगी ने पूछा, भैया तू इतने पुण्य करके स्वर्ग में आया और यहाँ पर रत्न सिंहासन में बैठे हो, रो रहे हैं क्यों? बोले मेरे से की गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोले बच्चों को मैंने सद्मार्ग नहीं दिखाया, जो पैसा मैंने छोड़ करके आया था, बच्चे अभी उसी पैसा से शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, चूंकि पैसा मैंने ही कमा करके आया था और ये मेरे पैसा को गलत रास्ता पर व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए इसका पाप मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ता है। इसलिए बच्चे अगर भक्ति करेगा उसका फल मिलेगा, अगर बच्चे गलत रास्ता पर जाएगा उसका बुरा फल भी भोगना पड़ेगा। इसलिए खुद हरिनाम करना और बच्चों को भी बोलना, तुम भी भगवान की नाम जप करो, ठीक है ना। इनको माला दे दो, एक दे दो। छोटे बच्चों को बता दो, ये बच्चा हरिनाम करे, बड़ा बोल दो। माला सब वापस दे जाना, कोई लेना नहीं। सबके पास में पहुंच गया, अब जिन जिन लोगों के पास में नहीं पहुंचा, अब लोग मेरे साथ में हरि नाम करो, आपको सब फल मिलेगा। हमारे साथ में क्या करो, ठीक है, और वो हरि नाम सबके सब करना, क्योंकि जो हरि नाम करेगा उसको पाप तो उड़ जाएगी, लेकिन ये जाकर बैठेगा कहां पर? जो करेगा नहीं उसका सर पर बैठेगा। इसलिए सबके सब मेरे साथ में, साथ साथ में क्या करो, मेरे साथ में
मैंने पहले आपको समझाया था ना, देखो ये अंगुल को बाहर निकालना, क्योंकि ये गंधा अंगुल ये सबसे पहले निकलता है, हम तुमको देख लेंगे, इसलिए ये अंगुल को बाहर निकालना और ये बीच वाला अंगुल को ऊपर रखना, रख करके जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल करके इसमें एक मोती सरकेगा, दो बार बोल करे दो मोती सरकेगा। कल मैंने आपको समझाया था महाप्रभु को जो निमंत्रण दिया, महाप्रभु बोले उनकी घर में खाऊंगा जो लखपति बनेगा, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक नहीं, 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण, फिर क्या हमारे घर में नहीं खाएंगे, बोले असली लखपति वह है जो 1 लाख हरिनाम ठाकुर जी का करते हैं, वही असली लखपति है। इसलिए जब हम एक माला करते हैं जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 बार हो जाता है जब हम एक बार हरिनाम बोलते हैं, इसमें 108 मोती हैं। अगर इसको फिर जब यहाँ खत्म हो जाए फिर घुमा करके दूसरे तरफ से करना, अगर 16 माला कर लिया तो 25,000 हो गया, अगर 64 माला कर लिया तो 1 लाख माला हो गया। 1 लाख हरिनाम नहीं, आपका नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गया। बोले ब्याज कितना मिलेगी, मीरा कहती है दीन दीन बढ़त सवाल, आज अगर 1 लाख हरिनाम किया ना कल आपकी 1.25 लाख मिलेगी और 4 दिन में 2 लाख हो जाएगा, 4 दिन में 2 लाख हो जाएगा। हाँ ये धन इतनी जल्दी जल्दी ये धन बढ़ती है, इसलिए सबके सब आंख बंद कर लो, समझो हम श्री गोविंद देव का चरण में बैठे हैं, ठाकुर जी के चरण में बैठे करके हरिनाम कर रहे हैं। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक मत सर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा माला पूरी हो गई ना देखो जिनकी इच्छा होगी हमें माला जप करना चाहते कल सवेरे 7-8 बजे अब लोग आना नियम है अपने आप अगर जप करोगे ना फिर कृष्ण प्राप्ति नहीं मिलेगी नियम है किसी साधु हाथ से जब ये माला लेकर करे फिर ये माला भगवान तक ये जीव पहुंचाता है अपने आप करोगे तो इस संसार का कुछ बस देगी लेकिन ठाकुर तक ये हरिनाम ठाकुर तक नहीं पहुंचाएगी इसलिए जिनकी इच्छा होगी कल आप सवेरे आओगे तो कुछ आपको बता करके हम माला कर देंगे ठीक है बोले श्री गिरिराज महाराज जय जय में आनंद नहीं आया देखो कल मैंने बताया था कि गिरिराज जो मांगो स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत दुनिया दुकान मकान सब गिरिराज देते हैं जितने जोर से गिरिराज की जय लगाओगे ना उतना जोर से पाप खत्म होगा और उतना तुम्हारी इच्छा पूरी होगी इतने जोर से जय कर लगाओ जैसे पूरा यहाँ पर प्रताप नगर में पता चले जाए कथा हो रही है ठीक है बोले श्री गिरिराज महाराज अभी लग रहा है कथा हो रही है देखो गिरिराज की कथा सुनो बोले एक समय ब्रजवासी लोग मैया जसोदा मैया रोहिणी रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ दाल बाटी चूरमा रात भर बना रही थी इतने में कृष्ण मैया को पास में गए बोले मैया मैया कहा बात है तो ये रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ क्यों बना रहे हो क्या कल मेरी जन्मतिथि है बोले नहीं बेटा बोले ताऊ भैया की बोले नहीं बेटा बोले फिर बोले पिताजी को जाकर पूछो अभी कृष्ण आकर के नंद बाबा की गोद में बैठ गए उनको दाढ़ी पकड़ लिए बोले बाबा बाबा ये मैया रात भर ये कचौड़ी लड्डू मालपुआ क्यों बना रही है बोले लाला हम इंद्र की पूजा करेंगे बोले बाबा ये इंद्र कौन है बोले ये स्वर्ग के राजा है बोले आप इनको पूजा क्यों करते हो बोले हम ग्वाला ना हमारी गैया ही हमारी मूल धन है अरे ये इंद्र के अधीन में ये मेघ है और ये मेघ उपयुक्त समय होने पर घास होता है गैया घास खाते हैं फिर दूध देते हैं वो दूध से सब कुछ मिठाई मिठाई जो कुछ ये दूध से बनता है इसलिए हम श्री इंद्र की हम पूजा करेंगे बोले बाबा ये जो इंद्र है ये एक आधिकारिक देवता है ये डायरेक्ट कुछ दे नहीं सकते हैं
अगर आप इंद्र को पूजा करोगे, ये इंद्र फिर भगवान को पास में प्रार्थना करेंगे, अगर भगवान के निर्देश से होगा फिर ये इंद्र कुछ दे सकता है, इसका अपना गांठ में कुछ है ही नहीं। बोले बाबा ये जो गिरिराज गोवर्धन आप देख रहे हो, ये पहाड़ नहीं, ये ब्रज की ये साक्षात देवता है, ये भगवान स्वयं ये गिरिराज की रूप धारण करके आए हैं, ये मेघ आकर के ये गिरिराज में टकराते हैं, फिर जाकर के ये बारिश होती है। कृष्ण ने कहा पिताजी ये बताओ कितने साल से गिरिराज पूजा कर रहे हो? बोले जब से होश आए। बोले पिताजी इंद्र को खाते हुए आपने देखा? बोले नहीं लाला। बोले पिताजी जब आप ये गिरिराज की पूजा करोगे, साक्षात रूप में इन्हीं आंखों से देखोगे, साक्षात ये गिरिराज सब कुछ ग्रहण करेगा, जो कुछ आपकी मन में इच्छा होगी, जो श्री गिरिराज से प्रार्थना करोगे गिरिराज सब कुछ देते हैं। जो व्यक्ति ये गिरिराज की परिक्रमा करता है, कृष्ण उनको पीछे 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 कृष्ण उनको पीछे पीछे चलते रहते हैं। भैया इतना कष्ट करके मेरी परिक्रमा लगा रहा है, ये हमसे क्या मांगेगा? जो कुछ पिताजी मांगोगे ये गिरिराज सब कुछ दे देंगे। बोले लाला इन्हीं आंखों से गिरिराज के दर्शन मिलेगा? बोले हाँ बाबा। फिर तो ब्रजवासी राजी हो गए। बोले ठीक है लाला, कल हम इंद्र पूजा नहीं करेंगे, हम श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। पूरा जाओ ब्रजमंडल में ढिंडरा पिटवा दो, कल गिरिराज की पूजा होगी, सारे ब्रजवासियों को पता चला कल इंद्र पूजा नहीं, कल गिरिराज गोवर्धन की पूजा होगी। बोले श्री गिरिराज महाराज अभी जो 2 किलो सूजी के हलवा बना रहे थे, बोले भैया गिरिराज के लिए तो 4 किलो सूजी के हलवा बनवाएंगे। जो 1 किलो आटा की पूरी बना रहे थे, बोले भैया हम तो 2 किलो आटा की पूरी बनवाएंगे। जो दाल बाटी चूरमा बना रहे थे जितने, बोले भैया हम डबल डबल करके दाल बाटी चूरमा बनाएंगे श्री गिरिराज गोवर्धन के लिए। और जो कढ़ी बना रहे थे डबल डबल कढ़ी बनाए, इसलिए उसका नाम पड़ गया अन्नकूट। अन्नकूट मतलब क्या है? बोले कूट मतलब होता है पर्वत, अन्न मतलब होता है अन्न। बोले 4 तरह का तो चावल बनवाए, एक फीका चावल, एक मीठा चावल, एक नमकीन चावल और एक मटर पनीर डाल करके। आप लोगों ने कितना तरह का चावल लाए? लाए कि नहीं? 1 तरह का। कढ़ी 2 तरह का बनवाए, एक राड कढ़ी और एक सुहागिनी कढ़ी। बोले सुहागिनी कढ़ी जिसमें पकौड़ा डाल करके कढ़ी बनती है, राड कढ़ी बगैर पकौड़ा के जो कढ़ी बनती है। इसलिए और जो चूरमा जो बनाए ना, चूरमा कहते 2 तरह का चूरमा, एक हसना और एक रोना। हसना मतलब पतल में रखते जो खिल जाए, रोना मतलब जिसे घी टपकता है, हैं? 2 तरह का चूरमा बनाए। पराठा तो 10 तरह का पराठा बनवाए, मूली की और आलू की, मेथी की, बथुए की, पालक की और फूल गोभी की, 15 तरह का तो पराठा बनवाए। दाल तो 5 तरह का दाल बनवाए, उड़द की दाल, अरहर की, मूंग की, छोले की, मटर की, इतने लाए। पूरा गिरिराज गोवर्धन भर गया केवल खाने खाने में। कृष्ण अपना हाथों से पंचामृत के द्वारा गिरिराज को उन्होंने अभिषेक करवाए। अभिषेक करा के जो खाना लाए थे ना, ठाकुर जी को आसन दिया, ठाकुर जी के चरण में फूल चढ़ाया, ठाकुर जी को हाथ हाथ धुलाए और श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने आह्वान किया। आह्वान करते ही गिरिराज गोवर्धन स्वयं वहां पर प्रकट हो गए। बोले श्री गिरिराज बाबा की। सबके सब दर्शन कर रहे थे, गिरिराज साक्षात रूप में प्रकट हुए। सबके सब गिरिराज जी हाथ बढ़ा बढ़ा करके, पसार पसार करके सब कुछ खा रहे थे, सब कुछ खा रहे थे। मिनट में उन्होंने सब कुछ खा लिए। बोले आनो रे और लाओ और लाओ और लाओ। ब्रजवासी बोले प्रभु हम गरीबी ब्रजवासी हैं, आप इसी में ही संतुष्ट हो जाओ। कृष्ण तृप्त हो गए। तृप्त हो करके देखो, ध्यान देखने सुना, हरे कृष्ण। देखो गिरिराज जी क्या बोल रहे हैं। बोले हे ब्रजवासियों, आज ये अन्नकूट महोत्सव में एक अन्न का दाना जिसने मेरी सेवा में दी है,
मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ, किसी जीवन में उनकी घर में अन्न वस्त्र की अभाव नहीं पड़ेगी, उनके घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी। ये साक्षात भगवान की मुंह से ये बात निकली हुई। अगर जीवन में कोई भी एक अन्न दाना गिरिराज की सेवा में लगा दो, जन्म जन्मांतर में जो भूखा पड़े हैं, जो अन्न की अभाव वस्त्र की अभाव कभी घर में रहेगी नहीं। इतने में कृष्ण ने कहा, ब्रजवासियों चकाचक भोजन करो। चलो भोजन करते करते हम सबके सब गिरिराज की परिक्रमा लगवाएंगे। देखो दुनिया जिस बांके बिहारी को गोविंद को परिक्रमा लगाते हैं, आज स्वयं गोविंद देव ब्रजवासियों को लेकर के उन्होंने श्री ये गिरिराज की उन्होंने ठाकुर जी परिक्रमा लगाए। बोले पहले कौन चल रहे थे? बोले जितने ब्राह्मण संत लोग चल रहे थे। बोले उनको पीछे कौन चल रहे थे? बोले जितने गैया भी परिक्रमा लगाए। बोले उनको पीछे कौन चल रहे थे? बोले ब्रजवासी, सबसे पीछे गोपियां और सबसे पीछे राधा रानी, उनकी गोपियां सबके सब परिक्रमा करते हुए ये गिरिराज की परिक्रमा कर रहे थे सबके सब। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। जय जय श्री राधे। हाँ देखो अभी प्रभु जी गिरिराज की बड़े सुंदर सुंदर भजन गाएंगे, और जो नाच सके गिरिराज में खड़े होकर के, अगर गिरिराज को सामने एक बार नाच लिया ना, पर दुनिया में कहीं तुम्हें नाचने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ठाकुर के सामने तुमने नाच लिया है ठाकुर के सामने, इसलिए बड़े भाग्यवान हुए होते हैं जो ठाकुर का कीर्तन में नाचते हैं। ठीक है, हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, कल श्री रुक्मिणी की शादी है, कल भगवान रुक्मिणी, ध्यान देकर सुनो, हरे कृष्ण, कल रुक्मिणी की विवाह है। अगर जो लोग हरे कृष्ण, जो लोग रुक्मिणी विवाह में अगर कोई साड़ी लाना चाहते हो, अगर कोई अच्छी साड़ी लाओगे ना, वृंदावन में हम सिर्फ राधा रानी को पहनाएंगे, वृंदावन में राधा रानी को पहनाएंगे। और कल श्री सुदामा जी का भी कथा है, इसलिए जैसे कृष्णा के लिए सुदामा जी दो मोटी चिड़िया लाए थे, ठाकुर जी त्रिभुवन के राज्य राज्य की उनकी दे दिया। अगर कोई चाहते हो अपना घर से सुदामा जैसे चिड़िया लाए थे, सुदामा जैसे चावल लाए थे, आप लोग चावल ला सकते हो, फिर ठाकुर जी की सेवा में हम लगा देंगे। ठीक है, अभी प्रभु जी भजन गाएंगे, सबके सब गिरिराज के सामने नृत्य करना। ठीक है, अब बच्चे देखो, अब लोग जो अगर परिक्रमा करना चाहते हैं ना, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, अभी एक दो कीर्तन के बाद में सब नाच, सब परिक्रमा करना, पहले नाच लो फिर उसके बाद में परिक्रमा करना। ठीक है,
छप्पन भोग करवाया, इसलिए ठाकुर जी गिरिराज उनका खूब भंडारा भर और इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ। मुरारी जी प्रभु इधर आ जाओ, कहां है प्रभु जी, सामने आ जाओ।
अपना परिवार को लेकर के आओ। हरे कृष्णा। सभी लोग बहुत सारे प्रसाद लाए हैं, जो प्रसाद लाए हैं अपने बर्तन वापस लेके जाएं, जो भी प्रसाद लाए हैं वो अपने बर्तन वापस लेके जाएं आज। एक माला लो। हरे गिरिधर 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 गिर